हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं ललित यादव आप सबका वेलकम करता हूं अपनी धुआंधार रिवीजन सीरीज में। आज की इस मेगा मैराथन इस मैराथन क्लास में हम काफी सारे चैप्टर्स देखेंगे। राजभाषा, लोक सेवाएं, राजनीतिक दलों के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ गठबंधन की सरकार, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, मतदान व्यवहार, दबाव, उसमें कई कई सारे चैप्टर्स जो है इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे और उनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो मेरे दोस्त मेरे बारे में नहीं जानते। मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान से, बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, एमफिल किया है, पीएचडी की है, पीएचडी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। एमए और एमफिल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। जेआरएफ क्वालिफाई है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान से। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए ना, तो फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला। यहाँ पर अन अकेडमी की सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी और इसके साथ साथ आपको हमारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। डायरेक्ट मेरे से बात कर पाएंगे, मेरी टीम से बात कर पाएंगे, ठीक है, और मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको वहां पर मिलेगा। ये अनअकैडमी पर आप देखोगे तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सारे टॉपर्स इस बार आप देखोगे पिछले 3 साल से बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो रहा है। हम सब टीचर्स एक साथ मिलकर के आप सबको पढ़ाते हैं, बहुत बेस्ट टीचर्स की टीम है। अभी 20% फीस में डिस्काउंट चल रहा है 30 सितंबर तक, तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये कोड अप्लाई करके लीजिएगा, LYLIVE। ये कोड अप्लाई करके लेंगे तो आपको फीस में 20% डिस्काउंट हो जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। मैं आपको प्रॉपर पर्सनली गाइड करूंगा, प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। सभी टीचर्स की क्लास मिल जाएगी आपको। अगर जब भी आइकोनिक कोर्स लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लास में बोल करके सवाल पूछ सकते हो। आपके साथ बुक्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। 20 बुक्स का सेट जो है अनअकैडमी ने रेडी किया है, वो 20 बुक्स आपके घर पर मैं डिलीवर करवा दूंगा हार्ड कॉपी में, और वो बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं, डिटेल में बुक्स हैं। मार्केट में उससे नई अपडेटेड बुक्स कोई नहीं है, ठीक है। और डेली मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रहेगी आपकी। ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्शन में अच्छा रैंक दिलवाने में हेल्प करेंगी। तो आइकोनिक कोर्स लेना, कोड याद रखिएगा LYLIVE। और बाकी आप में से जो दोस्त हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में हैं या फाइनेंशियली उनके साथ इशू है, तो मैं आपको अपनी गारंटी पर एजुकेशन लोन दिलवा सकता हूँ अनअकैडमी पर, और एजुकेशन लोन दिलवा करके मैं आपका सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। तो अपनी गारंटी पर आपकी पूरी फीस भर करके आपका एडमिशन करवा दूंगा। तो उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ें देनी होंगी। बाकी गारंटर मैं रहूंगा तो आपका काम मैं करवा दूंगा। आपको वो पैसा क्या करना है, धीरे धीरे महीना महीना करके वापस करना है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। और जब भी कोर्स लें तो कोड याद रखिएगा, यही लगाना है LYLIVE, ठीक, LYLIVE। इसी कोड से मैं आपका ये गारंटी भी ले सकता हूँ। ज़्यादा जानकारी चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मेरी टीम की डिटेल है, उनसे बात कीजिए। मेरी अनअकैडमी की टीम की डिटेल है, वो आप उनसे बात करेंगे, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, वो आपको ये काम करवा देंगे, ठीक है। या सब्सक्रिप्शन से पहले मेरे से भी बात करनी है तो उनको बोलना, वो आपकी बात भी मेरे से करा देंगे। हर वीक एक नया बैच शुरू होता है तो आपको सारे बैचेस मिलेंगे। मेंस की आंसर राइटिंग, आप ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल, अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो भी, ठीक है। लेकिन कोड याद रखिएगा, LYLIVE लगाना है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने को, बेहतरीन से रिविजन सेशन को। तो स्टार्ट करने से पहले जरा एक बार जोश बता दो कैसे आप में। हाउस द जोश मेरे दोस्तों, हाउस द जोश, जोश कैसा है, जिंदा है कि नहीं आप लोग? हाउस द जोश, जिंदा है कि नहीं? हाउस द जोश, एक हाई जोश हमेशा ना बना करके रखिए, एक हाई जोश हमेशा होना चाहिए आपके पास। अगर आप हाई जोश में हैं तो बिल्कुल सारी चीजें कर पाएंगे। आंसर देना है आपको हाई सर। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो राजभाषा के बारे में जान लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। डिटेल वाली क्लासेस भी आपको यहाँ पर इसी चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें मैंने लाइन बाई लाइन एम लक्ष्मीकांत कराई है। या अगर आप बाइलिंगुअल करना चाहते हैं तो बाइलिंगुअल वाले चैनल पर भी मिल जाएंगी, लाइन बाय लाइन डिटेल में मैंने हम लक्ष्मीकांत करा दिया है। अभी मेरा पर्पस जो है वो आपको रिवाइज करवाने का है, तो मैं आपको प्रॉपर यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 से 351 में यहाँ पर राजभाषा से संबंधित प्रावधान जो है वो दिया गया है, और इसमें चार शीर्षक दिए गए हैं। चार शीर्षक क्या, एक तो संघ की भाषा यानी कि पूरे यूनियन की भाषा,
क्षेत्रीय भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज, न्यायपालिका और विधि के पाठ की भाषा एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा। आजादी के बाद ये बड़ा मामला था कि भारत में भी कौन सी लैंग्वेज अपनाई जाएगी, किस लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम आप देखोगे ना तो हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे तो बहुत, लेकिन इंडिया में और भी बहुत सारी भाषाएं थी, और भी भाषाएं के लोग थे जिनको अपनी भाषा आती थी लेकिन दूसरी भाषा में वो उतना कंफर्टेबल नहीं थे। ऐसे में अगर उनके ऊपर कोई जबरदस्ती एक भाषा लाद दी जाती तो उनको गवर्नमेंट जॉब में नुकसान होता, नौकरियों में नुकसान होता, एजुकेशन में नुकसान होता, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम हो जाती। और एक इंडिपेंडेंट कंट्री में आप किसी के ऊपर एक भाषा एक लैंग्वेज आप थोप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारे प्रोविजन किए गए, बहुत सारे जो है अलग अलग आप देखोगे आप प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो संघ की भाषा के देख लेते हैं। संघ की भाषा के लिए हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी ना, उसको कहा कि ये भैया ये हिंदी संघ की है, लेकिन संघ की आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा, ना कि देवनागरी। यानी कि जो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखे थे वो संघ की भाषा के बारे में कहा गया कि वो संघ की भाषा है, लेकिन उसमें जो संख्या लिखी जाती है, नंबरिंग लिखी जाती है, वो अगर प्योर हिंदी में आप देखोगे तो आपको समझ में भी ना आए क्या पता इस तरीके से। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसका संख्या का जो रूप है वो अंतरराष्ट्रीय होगा, जैसे 1 2 3 आप देखते ना, वो देवनागरी में नहीं होगा। हालांकि ये कहा गया कि भाई अभी तक क्योंकि हमारा काम सारा इंग्लिश में होता रहा था, अंग्रेज लोगों ने हम पर कब्जा किया हुआ था, जब जब वो हम पर शासन करते थे तो शासन व्यवस्था चलाते थे, तो किस लैंग्वेज का यूज करेंगे वो, क्या उनको हिंदी आती थी? उनको तो बस टूटी फूटी हिंदी आती थी, है ना। तुम कहाँ जा रहा है, ई का कर दिया बे, ऐसे थोड़ी बोलते होंगे, ठीक है। उनको तो मतलब रीडिंग बोल भी लेते होंगे तो पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि हिंदी वो पढ़े, तो सारा वर्क उनके लिए करना इंग्लिश में आसान था। अंग्रेज ब्रिटिशर से ब्रिटेन से जितने भी एक्ट बन करके आते थे सब इंग्लिश में होते थे, तो इसलिए उन्होंने सारा का सारा इंडिया का स्ट्रक्चर और सारा वर्किंग कल्चर जिस तरीके से डेवलप किया उसमें इंग्लिश ही यूज होती थी। अब हम आजाद हो गए, आजाद होने के तुरंत बाद उन सारी चीजों को बदल करके हिंदी में करना तो बड़ा मुश्किल था, है ना। प्रक्रियाएं बड़ी टफ थी, हो ही नहीं सकता, और राज्य भी विरोध कर रहे थे बहुत सारे कि भाई आप एक ऐसी लैंग्वेज कैसे थोप सकते हो जो केवल कुछ ही लोग बोलते हो, इससे अच्छा एक ऐसी न्यूट्रल लैंग्वेज डाल दो जो सभी के लिए, या तो सबके लिए नहीं हो, ठीक है, ऐसा हो। जैसे कई बार लड़ाई झगड़ा होता तो ऐसा होता है ना कि इसका फायदा नहीं हो रहा तो मेरा फायदा नहीं हो रहा तो इसका भी नहीं होना चाहिए, ऐसा करो कि सबका नुकसान हो, ठीक है। तो एक इस अगर फेयरनेस के तरीके से देखें तो ये इक्वेलिटी के उस पर आता है, सही है कि हाँ भाई फिर तो सबके लिए बराबर हो जाएगी, अगर सभी नहीं जानते तो सभी के लिए इक्वल है। और कुछ जहां पर ऑफिशियली जिसका यूज किया जा रहा है तो वहां पर इजी तरीके से वो काम कर सकते थे। तो संविधान के प्रारंभ होने के जो 15 वर्ष है ना, 1950 से 1965 तक, ये कहा कि अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से उन प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनके लिए 1950 से पहले इसका यूज होता रहता था। यानी कि जितने भी काम 1950 से पहले इंग्लिश में होते थे वो सारे इंग्लिश में ही होते रहेंगे 1965 तक। 15 वर्षों के उपरांत भी जो है अगर संघ चाहता है तो वो अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है, ये इसमें प्रावधान किया। इसके साथ इन्होंने कहा कि संघ के सभी सरकारी कार्यों और संसद की कार्यवाही में अंग्रेज को प्रयोग का जो अंग्रेजी का जो प्रयोग है उसको जारी रखने के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग जो है वो किया जाए। तो 1965 के बाद भी देखोगे तो पार्लियामेंट में आप देखना कई बार जितने भी लोग बात करते हैं, भाषण करते हैं, तो आप हिंदी में भी आपको बात करते मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी आपको बात करते मिल जाएंगे, है ना। तो दोनों का यूज आप वहां पर कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात इसमें यह थी कि अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, ठीक है। अब 1967 में कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए इसमें एक संशोधन किया गया, ठीक है। अब संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, ठीक है, वह पुनः 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति से एक आयोग की स्थापना की उम्मीद की गई थी कि राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा जो हिंदी भाषा के प्रभावी, ये प्रगामी प्रयोग है, उसके प्रभावी प्रयोग के लिए अंग्रेज के संबंध में अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने व अन्य मामलों को के संबंध में सिफारिश करेगा। यानी कि बेसिकली हिंदी के लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात की गई कि भाई हिंदी जो है ना उसको आगे प्रॉपर तरीके से बढ़ावा देने के लिए केंद्र को
जो है सेंटर को एक तरीके से ड्यूटी दे दी गई। ठीक है, अब आयोग की सिफारिश को जांचने परखने के बाद राष्ट्रपति को इस संबंध में अपने विचार देने के लिए एक संसदीय समिति की गठन की भी बात की गई। ठीक है, तो अब इसके बाद जो 5 साल की बात कही गई थी कि भैया एक आयोग स्थापित किया जाएगा अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने के लिए और हिंदी भाषा के प्रभावी प्रयोग के लिए, तो 1955 में राष्ट्रपति ने एक खेर आयोग बनाया। ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, एक ही साल में रिपोर्ट दे दी। उस समय जितने भी आयोग होते थे वो बहुत जल्दी काम करके रिपोर्ट दे देते थे। और फिर इसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक समिति भी बनानी थी, संसदीय समिति। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनाई गई 1957 में, उसने इसकी समीक्षा की। ठीक है, फिर उसके बाद एक और आयोग बनाया गया 1960 में, 10 साल के बाद भी बनाना था ना, एक तो 5 साल के बाद और एक 10 साल के बाद। 1960 में जो दूसरा आयोग जिसकी कल्पना संविधान में कही की गई थी उसका गठन इन्होंने किया ही नहीं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संसद ने जो राजभाषा अधिनियम था ना 1963, उसको इन्होंने अधिनियमित कर दिया, उसको बना दिया 1963 के राजभाषा अधिनियम को। ठीक है जी, और संघ के सभी कार्यों में अंग्रेजी को का प्रयोग करना उन्होंने जारी रखा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो दूसरा आयोग बनना था दूसरा आयोग नहीं बना हिंदी के प्रभावी प्रयोग के लिए, तो हम एक काम करते हैं, अभी संसद की कार्यवाही में जो अंग्रेजी का प्रयोग था उसको हम जारी रखते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग करेंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के प्रयोग का उपबंध वहां पर ये करने लग गया, और इसके लिए कोई समय सीमा जो है वो नहीं रखी गई बाद में। क्षेत्रीय भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष भाषा का उल्लेख जो है उस समय नहीं था। तो अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रोविजन है जिसमें आपको समझना है कि राज्यों ने ये डिमांड उठाई कि यार हमारे क्षेत्र में तो हमारी एक विशेष लैंग्वेज बोली जाती है। मान लेते हैं कि हम तमिल बोलते हैं, तो कहते कि भाई हमारा वर्क अगर तमिल में होगा तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन अगर उस पे आप हिंदी थोप दोगे और जबरदस्ती कहोगे कि भैया हिंदी में काम करो, तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए कुछ नियम बनाए गए क्षेत्रीय भाषा के लिए कि किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती है, जब तक यह ना हो उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी रहेगी। तो इन्होंने सबके लिए एक न्यूट्रल सा प्रोविजन कर दिया कि या तो कोई राज्य है, अगर अपने राज्य में जो विधायिका, उनका विधायिका मतलब बेसिकली विधानसभा और विधान परिषद से, तो विधानसभा में मान लेते काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई विधानसभा में अगर आप चाहते हो आपकी कोई खुद की लैंग्वेज है तो आप उस लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो आप हिंदी का चुनाव करो। ठीक है, जब तक आप इन लैंग्वेज में से किसी एक का चुनाव नहीं करोगे तब तक इंग्लिश वहां की लैंग्वेज रहेगी। तो अब आप सोच लो, आप इंग्लिश में काम करना चाहते हो या आप अपनी लैंग्वेज में करना चाहते हो। तो ऐसे में फिर अधिकतर राज्यों को जब ये मौका मिला, चांस मिला, तो सबने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा को औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, जो अपनी अपनी लैंग्वेज थी उनको, जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु को, केरल ने मलयालम को, असम ने असमिया को, वेस्ट बंगाल ने बंगाली को, उड़ीसा ने उड़िया को, इन सब ने अपने अपने अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज थी उसको अपनाया, उसमें अपना विधायिका का कार्य करना वो किया। बहुत सारे जो उत्तर भारत के राज्य थे जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बाद में आए। ठीक है, तो बल्कि ये पहले जो थे इन्हीं का ही हिस्सा थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का। ठीक है, तो जो उत्तर भारत के राज्य थे उन्होंने हिंदी को अपनाया, गुजरात ने गुजराती और हिंदी दोनों को लिया कि हाँ भी हम गुजराती भी रखेंगे हिंदी भी रखेंगे। ठीक है, गोवा ने जो है कोंकणी, मराठी व गुजराती तीनों को अपनाया, जम्मू कश्मीर ने उर्दू को लिया। ठीक, और कुछ उत्तर पूर्वी राज्य जो थे जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने अंग्रेजी को स्वीकार किया। ठीक है, अब ये कहा गया कि राज्यों ने जो अपने एरिया में अपने स्टेट के लिए जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक सीमित नहीं है। अब देखोगे ना हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, समय समय के साथ बढ़ती चली गई। ठीक है, लेटेस्ट आपने देखा ना बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, सबसे लेटेस्ट 4 भाषाएं जोड़ी गई। अभी उसके अंदर तुलु को और जोड़ने की बात की जा रही है, ठीक, उसकी डिमांड उठ रही है। तो ये कहा कि जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं ना,
जरूरी नहीं कि आप उनमें से ही अपनी राज्य की भाषा बनाओ। अगर उनमें आपके राज्य में कोई ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है जो बहुसंख्या में है, ठीक है, लेकिन वो 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो भी आप उसको अपने औपचारिक भाषा स्वीकार कर सकते हो। अब न्यायपालिका के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए। इन्होंने कहा कि भाई जब तक संसद कोई प्रावधान ना कर दे तो न्यायपालिका के कार्य केवल और केवल अंग्रेजी में होंगे। आज तक आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के काम अंग्रेजी में होते हैं। हाँ, कुछ हाई कोर्ट्स में आपको हिंदी में जो है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी मिल जाएगी, दोनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायालय की कार्यवाही जो है वो अंग्रेजी में रहेगी। जितने भी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, इनका जो ऑफिशियल पार्ट है, इनके जो आधिकारिक पार्ट है, वो भी अंग्रेजी में रहेंगे। हालांकि इनका हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, लेकिन जो आधिकारिक पार्ट जो होता है वो इंग्लिश में होता है। साथ ही राज्यपाल को भी ये पावर देता है कि वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के हाई कोर्ट जितने भी फैसले देता है, निर्णय पारित करता है ना, उनको वो हिंदी में भी ट्रांसलेट करवा करके, उसके अनुवाद करवा करके उसको देने की परमिशन दे सकता है। या हिंदी नहीं, अगर उनके राज्य में कोई और लैंग्वेज जो है औपचारिक भाषा है, तो उस भाषा का प्रयोग करके भी उसके ट्रांसलेशन का, उसके अनुवाद का जो है ना करने की अनुमति दे सकता है कि भाई। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखना कि इंग्लिश कंपलसरी है वहां पे भी। अगर कोई फैसला, कोई चीज, कोई डिसीजन हिंदी में आपको दिया गया है, तो उसके साथ साथ इंग्लिश का अनुवाद, ट्रांसलेशन जो है वो हमेशा साथ में रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि कई क्षेत्रों में, जैसे कि हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, हिंदी का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जाओगे तो हिंदी में सारा काम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए संसद ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया कि भाई वहां पर हिंदी का यूज किया जाएगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी चीजें आप देखोगे केवल अंग्रेजी में ही है, और ऐसे ही याचिकाओं को वो सुनता भी है जो केवल अंग्रेजी में है। इसीलिए आप देखोगे तो हिंदी को थोड़ा सा वहां पर उस टाइम चीजें रह गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप सबके लिए और हम सबके लिए भी जब हम बात करते हैं ना हिंदी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, तो इंग्लिश से डरो मत, है ना, उसे भागो मत। इंग्लिश का जानना जरूरी है। इंग्लिश को जितना जानोगे उतना आपके लिए, आपकी आगे की लाइफ आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लेते हैं आप आईएएस बन जाते हैं, और आईएएस बनने के बाद आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपकी मनमर्जी की पोस्टिंग तो हो सकता है आपको ना मिले। इवन कई बार तो टॉप 50 रैंक वालों को भी अपनी मनमर्जी की पोस्टिंग नहीं मिलती, वो तो सारी डिपेंड करता है सीटों के ऊपर। अब मान लीजिए आपने सिलेक्शन हो गया, 200, 250, 300 रैंक आ गई, है ना, 100 में भी आ गई, और आपने अपनी मन पसंद की पोस्टिंग ली अपनी मदर टंग वाले राज्यों में, वहां पर आपको वो नहीं मिली, और आपकी पोस्टिंग जो है, आप हिंदी भाषा स्पीकिंग है, अंग्रेजी आपको नहीं आती, और आपकी पोस्टिंग होगी केरल में, ठीक है, या फिर आपकी पोस्टिंग होगी तमिलनाडु में, ठीक है, या फिर कर्नाटक में, तो आप अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप वहां पर काम कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि वहां पर जो लोकल लेवल पर जो पर्सन है वो वहां की एक तो लोकल लैंग्वेज बोलेंगे या तो, ठीक है, या वहां पर ऑफिशियल वर्क और बाकी सारी चीजें देखोगे वो सब या तो इंग्लिश में मिलेगा या लोकल लैंग्वेज में मिलेगा। आपको तो दोनों ही नहीं आती, आप तो दोनों जगह फंस जाओगे, है ना। तो ये रिजिड नहीं बनना है, इंग्लिश के बारे में भी चीजें जानना है, इंग्लिश को भी सीखना है। इंग्लिश सीखोगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को संभाल पाओगे आगे, वो आपके लिए भी बेटर रहेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब 1971 में एक याचिकाकर्ता थे, उन्होंने क्या किया कि भाई बंदी प्रतिकरण का मामला था, और उसमें बहस के लिए उन्होंने हिंदी लैंग्वेज का यूज किया, ठीक है, और हिंदी में बहस के लिए एक बंदी प्रतिकरण याचिका जो है वो उन्होंने वहां पर न्यायालय में प्रस्तुत की, ठीक है। तो न्यायालय ने उस याचिका को ही निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया ये याचिका अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी में है, और हिंदी का प्रयोग करना सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, अंग्रेजी में लाओगे तो करेंगे। तो इससे क्लियर होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे काम आपको अंग्रेजी में करवाने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से जो राज्य विधानसभा है वो भी अपने विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, ठीक है, इन सब के बारे में किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकती है अंग्रेजी के अलावा, लेकिन अंग्रेजी में उसका अनुवाद प्रकाशित करना उनके लिए अनिवार्य रहेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के जो प्राधिकार से प्रकाशित अधिनियम, अध्यादेश जो है
उपनियम है, उनके भी हिंदी में अनुलेख अनुवाद किए जाएंगे, और हिंदी में जो अनुवाद है वो आधिकारिक लेख के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक विधेयक के साथ साथ इसका हिंदी में भी अनुवाद होना आवश्यक है। संसद में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उसका अनुवादित जो है वो मिलता है। तो कुछ मामलों में आप देखोगे राज्य के अधिनियम और अध्यादेशों का भी हिंदी अनुवाद जो है वो किया जाता है। विशेष निर्देश कुछ दिए गए हैं, इसको समझिए। अगर हम संविधान में भारत में उस टाइम ये देखा गया कि भाई हमारे यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज ऐसी भी हैं जो माइनॉरिटी में हैं, ठीक है, और क्योंकि हम आजाद देश हैं, इंडिपेंडेंट देश हैं, स्वतंत्र भारत है, तो उसमें सभी को अपनी लैंग्वेज अपने अनुसार चुनने का अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे में उन भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए और हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कुछ निर्देश जो हैं सरकार को दिए गए। सबसे पहले तो ये निर्देश आपको देखने को मिलेंगे 350 ए बी इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि क्या थे कि जितने भी राज्य हैं या स्थानीय प्राधिकरण, उनको राज्य में जो भाषाई अल्पसंख्यक संख्यक समूह के बच्चे हैं उनके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। ठीक है, और राष्ट्रपति इसके बारे में डायरेक्शन भी दे सकता है, यानी कि वहां पर जो इंग्लिश यूज की जाती है या उनके जो लोकल लैंग्वेज यूज की जाती है उसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्राइमरी में उनकी मदर टंग में एजुकेशन देने की बात की जाएगी। और इसकी चर्चा तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारी नई शिक्षा नीति है वो भी करती है, क्योंकि मदर टंग में ये रिसर्चेज ऐसे सामने आए, उससे पता चला है कि अगर मदर टंग में किसी को, मातृभाषा में अगर किसी को शिक्षा दी जाती है ना, तो फिर वो बच्चे ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को सीखते हैं। ठीक है, अब भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में जो प्रावधान है उन मामलों की जांच और उसकी रिपोर्ट के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करने की बात की गई कि राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करेगा और यह रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देगा, तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेगा और अगर किसी राज्य से संबंधित है तो वो संबंधित राज्य को भेजेगा। तो भाषाई अल्प देखोगे तो उसके लिए एक विशेष अधिकारी की भी बात की गई, ये दोनों आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, 350 जो है ना, 350 ए ये वाला आर्टिकल इसमें काम करता है, और आर्टिकल 350 बी, 350 बी जो है वो इसके लिए काम करता है। ठीक है, ये दो आर्टिकल हैं जो यहां पर हैं, और आर्टिकल 351 में भी विशेष निर्देश दिए गए हैं जो कि हैं हिंदी भाषा के विकास के लिए। तो इन तीनों आर्टिकल को आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब वर्तमान की बात करते हैं तो हमारे पास 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 थी, जब 8वीं अनुसूची बनाई गई तो 14 भाषा थी। अब ये कौन कौन सी भाषाएं हैं ये आपको एक बार याद करनी चाहिए, एक बार मेरे साथ साथ आप बोलिए यहाँ पर और कमेंट बॉक्स में भी लिखते चले जाइए कि असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, डोंगरी, बोडो और संथाली। इसका मतलब ये है कि आप अगर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आपको छूट दी जाती है कि आप इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज को इलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप अपना मेंस का आंसर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मेंस केवल इंग्लिश में ही लिखें या केवल हिंदी में ही लिखें, आप इन 22 लैंग्वेज में से भी किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें अपना मेंस का एग्जाम दे सकते हो, आपके लिए बेनिफिट है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का फोन केवल इसी चीज के लिए भी आता है मेरे पास कि सर क्या करें, ये मेंस का एग्जाम जो है वो किस तरीके से करें। ठीक है, हमें इंग्लिश ढंग से नहीं लिखनी आती, हिंदी नहीं ढंग से नहीं लिखनी आती, तो क्या कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करें? तो फिर मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी कोई मदर टंग है, आपकी कोई लैंग्वेज है जिसमें आपको बहुत अच्छे से लिखना आता है और वो अगर 8th शेड्यूल के अंदर है तो आप उसमें लिखो, वहां से नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब वो जो लेटेस्ट की हम बात करते हैं ना, तो 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92nd अमेंडमेंट। इससे मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली ये चार लैंग्वेज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। तो अभी तक जो सबसे नई भाषाएं जो इसमें जोड़ी गई हैं ये चार ही हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइन, यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को डालने के पीछे के रीजन क्या थे? सबसे पहला तो ये था कि भाई इन भाषा के जो सदस्य हैं, ठीक है, उनको राज्य भाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाए, और
इन भाषाओं के रूप में इनके शैली और भावों का प्रयोग करते हुए हिंदी को और ज्यादा समृद्ध बनाने का के लिए किया जाए। आप देखना हिंदी के अंदर टिपिकल हिंदी कुछ है ही नहीं, हिंदी लैंग्वेज में आप देखना बहुत सारी चीजों को मिक्सर सा मिलेगा, आपको अलग अलग भाषाओं के शब्द जो है वो उसमें मिक्स होकर के मिलेंगे। आजकल तो हिंग्लिश हो गई है। अब एक मामला आता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। इंग्लिश तो आप जानते होंगे, इंग्लिश आजकल ज्यादातर जगह पर आप देखोगे तो सब लोग बात भी ऐसे करते हैं, यू नो मैं वहां पर गया था बट देर वाज प्रॉब्लम कि यार वहां पर है ना मेरे को बुक्स मिली ही नहीं, ना हिंदी है पूरी ना इंग्लिश है पूरी, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, और वो भी दोनों गलत गलत उल्टा सीधा। खास करके बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इस चीज के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस किया। आप बॉलीवुड साइड में जाओगे वहां पर वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर इस तरीके का इंग्लिश का जो है यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। अब देख लेते हैं शास्त्रीय भाषा के दर्जे का, ठीक है। अब 2004 में भारत सरकार ने एक नया वर्ग बनाया, और वो नया वर्ग क्या बनाया कि भाई हम शास्त्रीय भाषाओं का एक नया वर्ग बनाते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाई, इससे पहले इतनी भाषाएं थी ऑलरेडी। तो शास्त्रीय भाषाएं बनाने के पीछे कुछ रीजन थे, उनको जानने से पहले 2006 में पहले तो ये डिसाइड किया गया कि किस किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, और 2019 तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा आज तक मिल चुका है, ठीक है। लाभ इसका क्या है कि अगर एक बार किसी को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया ना, तो उसको अपना एक उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करने में वित्तीय सहायता मिलती है। उसका क्या होगा कि वो अपनी भाषा की पढ़ाई करवा सकते हैं, उस भाषा की वहां पर पढ़ाई होगी, उसका प्रचार होगा, उसका प्रसार होगा, उसके उस भाषा के जो विद्वान हैं उन विद्वानों को पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है, और उससे वो भाषा जो है और ज्यादा विस्तृत और ज्यादा विकसित की जा सकेगी। तो ये शास्त्रीय भाषाएं हैं जैसे जिनको आप देखोगे तमिल, संस्कृत, तेलुगु, ठीक है, और कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब आ जाते हैं मानदंड कि किस आधार पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो इसके लिए रखा कि भाई सबसे पहले तो 1500 से 2000 वर्ष पुराने इनके कोई प्रारंभिक ग्रंथों में है ना दर्ज इतिहास की पौराणिकता हो, ठीक है, प्राचीन साहित्य ग्रंथ राशि जिसे वक्ताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी बेस कीमती माने, तथा एक साहित्यिक परंपरा हो जो मौलिक हो और दूसरे भाषा या भाषी समुदाय से उधार न ली गई। तो बेसिकली यही है, एक तो बहुत पुराने समय से इनका यूज होते हुए आना चाहिए ऐतिहासिक तौर पर, ठीक है, इनका इतिहास में कहीं पर वर्णन होना चाहिए, इनकी खुद की एक साहित्यिक परंपरा होना चाहिए, किसी दूसरी भाषाओं से उधार ले ना ली गई हो, अपनी खुद की ओरिजिनल लैंग्वेज हो, ओरिजिनल भाषा हो, ये मानदंड इसके लिए रखे गए। अगले चैप्टर पर चलते हैं जिसका नाम है लोक सेवाएं पब्लिक सर्विसेज। अगर हम पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो भारत में लोक सेवाओं को हम तीन श्रेणियों में, तीन कैटेगरीज में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको देख लेना सही, ये यहाँ पर ऐसे आएगा, ये सेवाएं जो है ना वो इधर आएगी, इधर की जगह एक कुछ जो एरर रह रहे हैं टाइपिंग एरर है, इनको मैनेज करते हुए चलना। अब हम भारत की जो लोक सेवाएं हैं उनको हम तीन क्षेत्र उसमें श्रेणी में डिवाइड करते हैं, एक अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरी केंद्रीय सेवाएं और तीसरी राज्य सेवाएं। अब आप कहोगे सर इनमें अंतर क्या है, तो अखिल भारतीय सेवाएं वो है जैसे IAS, IPS, IFS, ठीक है, जो केंद्र और राज्य सबके लिए समान होती हैं, इक्वल होती है, पूरे भारत में इनका जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, इनकी रिक्रूटमेंट अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है, और अखिल भारतीय स्तर पर किए जाने के बाद इनकी पोस्टिंग भी पूरे भारत में कहीं पर भी की जा सकती है, ठीक है। हालांकि इनके ऊपर कंट्रोल जो है सेंटर का होता है, लेकिन ये काम जब करते हैं कहां पर, स्टेट में, काम हमेशा राज्य में जाकर के करेंगे। और ये तीन ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारत के पास, IAS, IPS, IFS, ठीक है, क्लियर। 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमारे आजाद होने से पहले ये दो तरीके की सर्विस चलती थी जिसको हम IAS बोलते हैं आज, तो 1947 में उसका नाम था ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा, ठीक है, तो उसकी जगह पर हमने नाम दे दिया IAS। आपने नाम सुना होगा ना कि भारत के एकीकरण में ICS अधिकारियों का बहुत योगदान था, ICS, ठीक है, तो वो ICS ये बेसिकली यही है, उन्हीं का ही नाम जो है IAS बाद में हुआ। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं उस टाइम की, तो भारतीय पुलिस होती थी, अब उसका नाम भारतीय पुलिस सेवा IPS ने ले लिया, ठीक है, और इनको संविधान में ही अखिल भारतीय सेवा की मान्यता दी गई। बाद में 1966 में भारतीय वन सेवा IFS को जो है अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। तो अब तीन है,
उनमें सबसे लेटेस्ट जो बनाई गई वो भारतीय वन सेवा थी। अब इन सेवाओं की जो भर्ती और प्रशिक्षण जो करेगा कौन करेगा, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार करती है। भर्ती कौन करता है, यूपीएससी करता है ना, संघ लोक सेवा आयोग करता है, सेंटर का ही है, केंद्र का किस स्तर पर देखोगे, ठीक है। प्रशिक्षण जो है एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो यही कराते हैं। ट्रेनिंग कहाँ, देखो आप अलग अलग जाओगे, आप जैसे आईएएस के लिए आप लवासना में जाओगे है ना, तो वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराती है। लेकिन जब आपकी भर्ती हो गई, आपका प्रशिक्षण हो गया, तो उसके बाद आपको भेजा जाता है अलग अलग राज्य में कार्य करने के लिए। अलग अलग राज्यों में भेज देते हैं, अलग अलग काडर अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो वो काडर राज्यों में होते हैं। अब ये ध्यान में रखना कि आपकी किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में पोस्टिंग हो जाए, अलग अलग राज्यों में इनके काडर को विभाजन होने के बावजूद अखिल भारतीय सेवाओं की पावर जो है पूरे देश में एक जैसी है, समान है। आप चाहिए चाहे आईएएस उत्तर प्रदेश में हो या आप चाहे आईएएस तमिलनाडु में हो, सेम पावर है, सेम आपका स्टेटस है, दर्जा, कर्तव्य, अधिकार, वेतन, पैसा, सब एक ही है, ठीक है, से एक ही सेवा जो है वो बन जाती है। हाँ, कुछ क्या होता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा वो मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, जो कि एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आपकी जान का खतरा है या थोड़े से बहुत ही पिछड़े हुए इलाके, वहां पर आपको पैसा मिल जाता है एक्स्ट्रा। लेकिन बेसिक तौर पर देखोगे वो सब चीजें इक्वल आपको मिलेगी, एक समान वेतन से एक ही सेवा बन जाती है, ठीक है। अब वेतन और पेंशन जो है वो राज्य देते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करें ना, तो उनके ऊपर संयुक्त रूप से कंट्रोल करता है सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण होता है। लेकिन राज्य सरकारें जो हैं अखिल भारतीय सेवा के मामले में, उनको कुछ चीजों में ऑर्डर दे सकती हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर उनके कोई कर्मचारी है ना, उनको वो सस्पेंड कर सकती हैं। लेकिन जो अंतिम लास्ट कंट्रोल है ना, कि इसको टर्मिनेट करना है, नौकरी से हटाना है, वो सारे के सारे डिसीजन जो है वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो अंतिम नियंत्रण आप देखना वो हमेशा केंद्र सरकार का रहेगा, और तात्कालिक नियंत्रण है वो राज्य सरकार का रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। और अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है वो केवल केंद्र सरकार जो है वो कर सकती है, और वो नहीं कर सकती, राज्य सरकार नहीं कर सकती। अब संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के सबसे प्रमुख समर्थक जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक या पिता, ऑल इंडिया सर्विसेज का जो जनक है या पिता है, वो बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। अगर हम केंद्रीय सेवाओं की बात करते हैं, तो जो केंद्रीय सेवाओं के मेंबर है ना, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, अधीन होते हैं, केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है। चलिए, अब उनके ऊपर राज्यों का कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी सेंट्रल सेंटर के ऑफिस होंगे, केंद्र सरकार की नौकरियां होंगी, वो केवल उन्हीं केंद्र सरकार की नौकरियों में ही काम करेंगे, केंद्र सरकार के ऑफिस में ही काम करेंगे। और वो ध्यान रखना, अलग अलग तरीके के विभाग होते हैं, प्रकार्यात्मक, तकनीक, उन पदों पर वो आसीन होते हैं। आजादी से पहले जो केंद्रीय सेवाएं हैं ना, वो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, सबोर्डिनेट है ना, लोअर क्लास, इस तरीके से डिवाइडेड थी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ, निम्न। आजादी के बाद जो अधीनस्थ और निम्न श्रेणी का है ना, इसका नाम हटा करके, बदल करके तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी जो है वो कर दिया गया, क्योंकि ये निम्न श्रेणी, अधीनस्थ श्रेणी, ये अच्छा नहीं लगता, ये नाम है ना सही लगता नहीं है, क्रियर प्रॉपर लगता नहीं है, ठीक है, उसमें अजीब सा लगता है आपको, जो देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि यार कैसा सा नाम है ना।
ठीक, तो ये थोड़ा क्लासिफिकेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है कि भाई यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ श्रेणी जो है। अब उसके बाद इसका नाम फिर से चेंज किया गया 1974 में। ये महसूस किया गया कि यार फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास इस तरीके से करने पर भी चीजें थोड़ी ठीक नहीं है, इसका नाम दोबारा से चेंज करते हैं और इनका नाम कर दिया गया ए बी सी डी, है ना, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप सी सर्विस, ग्रुप डी सर्विस, इस तरीके से। तो वर्तमान में यानी कि जब बुक बनाएगी 2019 में, तब तक ए ग्रुप की, ग्रुप ए की सर्विस की 62 हैं, ग्रुप बी की 25 केंद्रीय सेवाएं हैं। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में राजपत्रित अधिकारी होते हैं जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, जितने भी ज्यादा लोग, आप ज्यादातर लोग देखोगे वो आपको गैजेटेड ऑफिसर वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप कभी भी जाओगे नौकरी मिलेगी, आप सिविल सर्विसेज के थ्रू भी आप जाओगे ना, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आप देखोगे उसमें पोस्ट बहुत सारी आती हैं। उन बहुत सारी पोस्ट में आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तो लगभग 300 के करीब सीट मिलनी है, 300, 350, ज्यादा से ज्यादा 400 के आसपास, इतनी भी नहीं आती हैं। बाकी मैक्सिमम जो सीटें हैं बाकी बची हुई है उनमें आप जो गैजेटेड ऑफिसर के तौर पर दूसरी अलाइड सर्विसेज में जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो बी और डी, सी और डी जो समूह है उसमें गैर राजपत्रित होते हैं, उसमें गैजेटेड ऑफिसर नहीं होते हैं। ठीक है, अब जितनी भी सेवाएं हैं उनमें प्रतिष्ठा, दर्जा, वेतन, भत्ते, इनके मामले में भारतीय विदेश सेवा सबसे उच्चतम केंद्र सेवा है। इंडियन फॉरेन सर्विस जो है सबसे बड़ी जो है वो सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसका वेतन जो है बहुत पैसा मिलता है। इसकी ये सेवा जरूर केंद्रीय सेवा है ना, सेंट्रल सर्विस है, लेकिन इसकी तुलना आप देखोगे तो वो अखिल भारतीय सेवाओं से की जाती है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उन्हीं से की जाती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारतीय विदेश सेवा की, तो उसमें आपको विदेश में जाने का चांस मिलता है, वहां पर भी काम करने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही डेकोरेटेड पर्सन होने चाहिए, बहुत सारी बेनिफिट्स जो है आपको काफी मिलता है। और वहां पर ज्यादातर आप देखोगे अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप कैसे जाओगे, और अंग्रेजी में तो आपको फ्लुएंट होना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ और भी कई सारी भाषाएं आपको सीखनी पड़ेंगी। आपको ट्रेनिंग में कई चीजें सिखा दी जाती हैं क्योंकि आपको उन सब की जरूरत पड़ने वाली होती है। आईपीएस से ज्यादा इसका वेतनमान होता है सेंट्रल सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आईपीएस से ज्यादा वेतनमान होता है इसका भारतीय पुलिस सेवा से। पदानुक्रम में आईएएस के बाद आती है। ठीक है, वेतनमान के हिसाब से देखोगे ना आप ऑल इंडिया सर्विसेज को वैसे कैटेगराइज करते हो तो पहले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस तरीके से रखते हो। यहाँ पर आईएफएस का मतलब फॉरेस्ट सर्विस, अखिल भारतीय सेवाओं का। लेकिन जब आप वेतन के हिसाब से कैटेगराइज करोगे सर्विसेज को तो पहले आईएएस आएगा और आईएएस के नीचे इंडियन फॉरेन सर्विस आएगी, सेंट्रल सर्विस है, केंद्रीय सेवा, फिर आईपीएस आएगा, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इस तरीके से आएगी। तो आपको भी कभी चांस मिलेगा तो आप भी जाना इसमें, ट्राई करना जाने का। ठीक है, मजा जो है वो इन्हीं में ही है, इन्हीं चार सर्विसेज में ही है, या तो आईएएस बनो या आईपीएस बनो। ठीक है, अगर या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बजाय इंडियन फॉरेन सर्विस में जाओ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपको पब्लिक डीलिंग उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, जितनी डीलिंग, पब्लिक डीलिंग आपको आईएएस में मिलेगी। जितना आईएएस को आप देखोगे ना, लोग कैसे पूजा करते हैं एक तरीके से, है ना, माई बाप तरीके से मानते हो। पुलिस की वर्दी जब आपको मिलती है और पुलिस की वर्दी में आप जब निकलते हो, आईपीएस, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस वाले, तो उसका तो एक अलग ही रोब, एक अलग ही रुतबा होता है। ठीक है, अब होती है राज्य सेवाएं। जैसे केंद्र की अपनी सेवाएं हैं वैसे हर राज्य की भी अपनी अपनी सेवाएं होती हैं। आप जब एग्जाम को देते हो तो आप स्टेट की सर्विसेज के भी एग्जाम देते हो कि नहीं देते, स्टेट सर्विसेज का। तो वहां पर भी आप देखोगे एसडीएम बने, कहाँ से बने, स्टेट से बने, तहसीलदार बने, डीएसपी बने, तो स्टेट से बनते हैं आप। तो राज्य सेवा से अगर आप चुने गए हो तो आपकी सर्विस केवल आपके राज्य में रहेगी। अगर मान लेते हैं कि आपने स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिया है और उसमें आप एसडीएम बन गए या डीएसपी बन गए, तो आपकी पोस्टिंग जो है ना वो केवल उसी राज्य में रहेगी, उसी राज्य में ही आपका बार बार ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, अपने राज्य से बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अलग अलग सारे तरीके के पद हैं राज्य के पास भी। और ये ध्यान रखना कि इनकी गिनती हमेशा ऑल इंडिया सर्विसेज के नीचे ही रहेगी।
आईएएस आईपीएस आईएफएस जो है ना, उसके बाद ये आपके एसडीएम डीएसपी जो राज्य सिविल सेवर सर्विसेज से जो सेलेक्ट होते हैं उनका पदानुक्रम वहां पर रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हर राज्य में एक जैसी सेवाएं हो, है ना, या एक जितने ही संख्या हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या हो सकती है सर्विसेज की, ठीक है। अब हर सर्विस को उसके राज्य के नाम से रखा जाता है, यानी कि राज्य का नाम उस सेवा के पहले जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग की, तो लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, है ना, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, नाम सुना होगा आपने, एमपीपीएससी, ठीक है, एचपीएससी, एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या एसएससी का भी आएगा तो भी उसमें अपने स्टेट का नाम लिखा रहेगा, यूपी SSSC, ठीक है, आते हैं आप, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगा, हरियाणा SSSC। तो जैसे सेंटर के लेवल पर तो केंद्र की हो गई, राज्य जो है राज्य के लेवल की जो सेवाएं हैं उसके आगे वो अपना नाम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश सिविल सेवा, ठीक है, आंध्र प्रदेश वन सेवा, आंध्र प्रदेश चिकित्सा सेवा, आंध्र प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा। तो आप कभी भी आपकी पोस्टिंग होगी, अगर आप आईपीएस हैं तो आपके यहाँ पर लिखा रहेगा भारतीय पुलिस, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा लिखा रहेगा। लेकिन अगर आप राज्य की पुलिस में हैं, मान लेते हैं कि आप प्रमोशन होते होते राज्य की पुलिस में, आप राजस्थान से हैं और राजस्थान में हैं और वहां से आप प्रमोट होकर के आप मान लेते हैं इंस्पेक्टर बन गए या डीएसपी बन गए, राज्य की पुलिस से गए, स्टेट सर्विस से गए, तो आपके यहाँ पर लिखा रहेगा राजस्थान पुलिस, रापू। अगर बिहार के हैं तो बैपू, बीपू, है ना, मुंबई के हैं तो उस पे लिखा, महाराष्ट्र पे तो मापो, महाराष्ट्र पुलिस, हरियाणा के तो हापू, हरियाणा पुलिस, दिल्ली के हैं तो दीपू, दिल्ली पुलिस, इस तरीके से साइडों में आपके नाम जो है वो रहेगा, ठीक है। अब सभी राज्यों में जितनी भी राज्य की सेवाएं हैं उसमें राज्य की सिविल सेवाएं जो है, जिसको राज्य प्रशासनिक सेवा बोलते हैं, वो सबसे प्रतिष्ठित है। इनको भी इसमें भी आपको आईएएस के जैसे ही इक्वल, आईएएस के जैसा ही पोस्ट जो है, जिसकी तुलना की जाती कि भैया केंद्र में आईएएस नहीं बने, चलो राज्य में एसडीएम बन जाओ, ठीक है, केंद्र में आप आईपीएस नहीं बने, चलो राज्य में डीएसपी बन जाओ, ठीक है, तो उसके नीचे रहती है, लेकिन वैसे ही नेचर उनका ऐसा है, प्रवृत्ति उन सेवाओं की सर्विसेज की वैसी ही है, ठीक। तो आप जब भी पीसीएस का एग्जाम देने जाते हो ना, तो अलग अलग सर्विसेज में सेलेक्ट होते हो आप। अब केंद्रीय सेवाओं की तरह राज्य की जो सेवाएं हैं उनको भी चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, सेम उसी तरीके से। और इनमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है वो राजपत्रित होते हैं, और ग्रुप बी सी और डी है वो अराजपत्रित होते हैं। राजपत्रित का आपको पता होगा क्या होते हैं, जिनसे आप कई बार आप डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने जाते हो तो आपसे बोलते हैं ना कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा करके लाओ, तो अटेस्ट करने की पावर जो है वो गैजेटेड ऑफिसर के पास होती है। तो ये राजपत्रित जो है ये वो गैजेटेड ऑफिसर है वो होते हैं। अब संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। आर्टिकल 308 से 314 में अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं से संबंधित जो सारे मेन मेन प्रोविजन है वो यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले तो आर्टिकल 309 आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को, कि संसद और राज्य विधायिका को, इनको ये पावर देता है कि भाई केंद्र में या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो लोक सेवाओं के पद हैं, किसी पद पर आप नियुक्ति कर सकते हो, नियुक्ति के साथ उसकी भर्ती और सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखें ना, जब भी इन आप केंद्रीय सेवाएं हैं या राज्य के अधीन जो लोक सेवाएं हैं, केंद्र के अधीन लोक सेवाएं, उनकी जब भर्ती होती है, नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है, तो उससे उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण भी उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल 310 जो है वो रक्षा सेवाओं, केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य या सैन्य नागरिक पदों पर आसीन व्यक्ति जो है ना, उनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहने की बात की गई है, कि भैया वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। अब उसका मतलब ये नहीं कि अपने आप ही जब मर्जी आए उनको किसी को भी हटा दिया गया, राष्ट्रपति इनको हटाने के लिए भी आप देखना, अगर कुछ बहुत ज्यादा उल्टा सीधा काम करते हैं तभी वो ये इस तरीके के प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे केंद्र के स्तर पर अगर सेवा की शर्तों की अगर हम बात करेंगे ना,
तो राष्ट्रपति सेवा की शर्तों का निर्धारण करते हैं, राज्य के स्तर पर देखेंगे तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब भर्ती के तरीके कोई भी हो सकते हैं, लोक सेवा में भर्ती के तरीके की बात करें तो आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, रिक्रूटमेंट हो सकता है, आपका पदोन्नति, आपकी प्रमोशन होकर के हो सकता है, आपका ट्रांसफर होकर के हो सकता है, ठीक है, इन सब के द्वारा अपॉइंटमेंट जो है वो हो सकती है। सेवा शर्तों की अगर हम बात करते हैं सर्विस कंडीशन की, तो उसमें क्या होते हैं, आपके वेतन हो गया, भत्ते हो गया, कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, आपके वेतन में कितनी वृद्धि होगी, कितने समय में होगी, छुट्टियां आपको कितनी मिलेगी, ठीक है, आपकी पदोन्नति कितने साल में होगी और क्या क्या क्राइटेरिया हो गया आपकी पदोन्नति को लेकर के, प्रमोशन कब होगा, कार्यकाल की समाप्ति आपकी कब होगी, आपका ट्रांसफर कब हो सकता है और कैसे कैसे होगा, क्या क्या उसके लिए कंडीशंस रहेंगी, आपका डेप्यूटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर अगर कहीं भेजना है तो वो कैसे होगा, ठीक है, आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही किस तरीके से की जाएगी, क्या होगा, आप क्या चीज नहीं कर सकते, काम के घंटे कितने होंगे, आप जब रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद आपको क्या लाभ मिलेंगे, जैसे आपको कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन नहीं है तो आपको किस तरीके का फंड जो है भविष्य निधि है या ग्रेच्युटी वो किस तरीके से मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सभी पर नहीं, कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ताकि आप सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दक्षता, अनुशासन, निष्पक्षता एवं गोपनीयता, सूचनाएं लीक ना कर दो, है ना, इन सब चीजों के आधार पर कार्य करते रहे, ये है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक। 310 जो है वो कार्यकाल की बात करता है कि भैया ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, ठीक है, इस चीज को समझिए। अब आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट देना लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो उसके भी रूल हैं, ठीक है, रेजिग्नेशन तो आप कभी भी दे सकते हो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया और रूल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब लोक सेवकों के लिए संरक्षण के भी उपाय हैं, है ना, राज्य की लोक सेवाओं के से संबंध सदस्य राज्य के अधीन जो सिविल पद हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, केंद्रीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, सैन्य सेवाएं हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। लोक सेवकों के संरक्षण के संदर्भ में भी उपाय किए जाए हैं, ठीक है, आर्टिकल 311 जो है ना वो प्रसाद पर्यंत सिद्धांत पर दो प्रतिबंध लगाता है। सबसे पहले तो कि भाई लोक सेवक को उनके पदों से हटाने के संबंध में दो तरीके का संरक्षण है, पहला कि किसी भी लोक सेवक को उसका अधीनस्थ अधिकारी जिसको उसने अपॉइंट किया है वो बर्खास्त नहीं कर सकता। मान लीजिए आप एक एक फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल से लेते हैं, मान लेते हैं कि आप हेडमास्टर हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लो, और आपने एक टीचर को नियुक्त किया अपने स्कूल में, अब वो टीचर आपको कभी नहीं हटा सकता क्योंकि उसको आपने अपॉइंट किया, आपका अधीनस्थ अधिकारी हो गया वो। ऐसे ही सिविल सेवा में है कि किसी भी लोक सेवक को उसका जो अधीनस्थ सबोर्डिनेट ऑफिसर है ना, जिसको वो उसको नहीं हटा सकेगा। अब किसी भी लोक सेवक को अगर बर्खास्त करना है तो उसको ऐसी जांच के उपरांत ही बर्खास्त हटाया या उसके पद उसका डिमोशन करना है किया जा सकता है, जिसमें उस पर जितने भी लगाए गए आरोप हैं उनकी सूचना उसको दे दी जाए, इन आरोपों की सुनवाई का उसको अधिकार दिया जाए, अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अधिक अवसर दिया जाए, और उसके बाद जब जांच हो और जांच की रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट के बाद ही उसको हटाया जा सकता है, ठीक है, वैसे डायरेक्टली नहीं कि मन में आया तब जाकर किसी को भी हटा, किसी को भी जो है वो हटा दिया गया, क्लियर। अब आर्टिकल 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड, अखिल भारतीय सेवाओं के से संबंधित है, एक तो अखिल भारतीयों का सृजन इसके माध्यम से किया जा सकता है, तो ये आप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, ठीक है, ये वाली लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्टिकल 312 क्या कहता है, आर्टिकल 312 है ना, राज्यसभा को एक पावर देता है, स्पेशल पावर, कि यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक अथवा उचित है, जो संसद एक नवीन अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, का सृजन कर सकती है, तो राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करके संसद को अथोराइज कर सकती है, संसद को ये पावर दे सकती है कि वो एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस जो है, नई अखिल भारतीय सेवा है, उसका सृजन करे, ठीक है। अब ऐसा कोई भी संकल्प है ना वो साधारण बहुमत से पास नहीं होगा,
इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दो तिहाई बहुमत से पारित होगा। ठीक है, ये दो तिहाई बहुमत से पारित करके ये संसद को पावर दे दी जाएगी। फिर उसके बाद संसद नई अखिल भारतीय सेवाएं जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, उनका सृजन कर दिया जाएगा। और संसद के पास ही पावर है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में उनके नियमन से संबंधित, भर्ती सेवा शर्तों से संबंधित नियम कानून जो है वो बना सकती है। तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 जो बनाया गया, उसी तरीके से बनाया गया। ठीक है, क्लियर। तो ये एक कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें थी जो अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में थी। इतना ही था आपको जो जानना था, अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ, उन चीजों को देख लेते हैं। 67 और 68 चैप्टर है, वो उसको मैं बाद में करा दूंगा आपको, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही कराते हैं। तो हम राजनीतिक दल पर जो है वो आ गए। अब लोक सेवाओं के संदर्भ में अगर कोई सवाल आ सकता है, तो कई सारे सवाल आपके बन सकते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे सवाल पूछूं, तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों को समझिए मेरे सारे जितने भी दोस्त हैं। सबसे पहली चीज आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहली स्टेटमेंट, पहला कथन आपका रहेगा कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं को, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की शक्ति लोकसभा को दी गई है। दूसरा आपको कहा जाएगा, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है। तीसरा कथन आपको दे दिया जाएगा कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की ऑफिसर, उनकी नियुक्ति राज्यों में होती है, इसलिए राज्य उनकी नौकरी या उनकी पदोन्नति या उनको नौकरी से बर्खास्त करने का अधिकार राज्यों के पास होता है। चौथी स्टेटमेंट जो होती है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्य वो जो है वो राज्य के, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपनी पद पर रहते हैं। अब आपसे कहा जाएगा कि गलत कथन चुनिए, और गलत कथन में आपको कहा जाएगा स्टेटमेंट ए, 1 2 3 4 गलत, बी 2 3 4 गलत, सी 1 3 4 गलत, डी केवल 2 और 3 गलत। इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा, तो चारों के चारों स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हुए चलते हैं, अलग अलग, छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा नहीं है, इनको हम चीजों को थोड़ा थोड़ा करते हुए देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या वो है। तो तब तक आप जरा जोश बताइए, हाउस द जोश कैसी है भाई, जोश कैसे है, हाउस द जोश जिंदा है कि नहीं, हाउस द जोश, हाउस द जोश। बहुत बढ़िया यार, जोश हाई होना चाहिए आप में हमेशा। ठीक है, एक हाई जोश के साथ होना चाहिए। देखिए, राजनीतिक दलों की बात करते हैं, तो आज के टाइम में आधुनिक लोकतंत्र में चार तरीके के राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप सब भारत का, खास करके भारत जैसी जो व्यवस्था है उसमें आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब इसमें हम डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सीधा जाकर के तो निर्णय निर्माण नहीं कर सकते, पॉलिसीज नहीं बना सकते, हर इंसान से चीजें नहीं पूछी जा सकती। अगर हर मामला हर इंसान से पूछ करके किया जाने लगा तो काम हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसे में हमारे यहां पर क्या कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो उसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वो प्रतिनिधि या तो वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो सकते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं, या वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं। अधिकतर जो उम्मीदवार हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। तो बेसिकली हमारे प्रतिनिधित्व के लिए अलग अलग राजनीतिक दल बने होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी कार्यशैली, अपना अपना उनका तरीका होता है। और उन राजनीतिक दलों के जो मेंबर हैं वो लोग जो है पूरा का पूरा पावर पॉलिटिक्स के अंदर सारा का सारा काम करते हैं। सरकार बनाने का काम भी आप देखोगे तो यही राजनीतिक दल करते हैं, सरकार गिराने का काम भी यही राजनीतिक दल करते हैं। तो ये राजनीतिक दल किस तरीके के हैं, क्या है, ये कैटेगराइजेशन आपको जानना जरूरी है। अगर हम आज के लोकतांत्रिक राज्य की बात करें आधुनिक स्तर पर, तो चार तरीके के उनकी कैटेगराइजेशन किया गया है। एक तो किया गया प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, ये ऐसे हैं, ये प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल जो है ये इस तरीके के राजनीतिक दल हैं जो कि पुराने ढांचे को एकदम दोबारा से लाना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल पुरानी
सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं, वो कहेंगे कि भाई हमारे देश में तो पहले 1000 साल पहले इतना ज्यादा, 2000 साल पहले इतना अच्छा शासन था, ये होता था, एक काम करते हैं हम वैसी व्यवस्था ले आते हैं, है ना, 1000 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी, वो हम उनसे हम चिपके रहते हैं, वो हमारे आदर से उनसे चिपके रहना चाहते हैं। दूसरे होते हैं रूढ़िवादी दल। रूढ़िवादी दल जो है वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जो मामला जैसा है वैसा बना रहे, यथास्थिति, अभी जो हो गया वो हो गया, इसमें ना सुधार की जरूरत है ना इसको हटाने की जरूरत है। तीसरे तरीके के दल हैं जिसको हम बोलते हैं उदारवादी दल। उदारवादी दल का मतलब लक्ष्य होता है कि भाई जो अभी करंट में वर्तमान में जो संस्थाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो है तो ठीक, लेकिन इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर इसमें हम और भी सुधार करते रहेंगे तो और बेहतर काम करते चले जाएंगे। तो सुधार करते हुए चले जाना है विद्वान संस्थाओं में, जैसे पूंजीवादी जो है या पश्चिमी देश आप देखोगे ना, वहां पर उदारवाद का ज्यादा आपको वो मिलेगा। एक होते हैं जिसको बोलते हैं उग्र सुधारवादी दल। ये सुधारवादी नहीं है, इसको उग्र सुधारवादी बोलते हैं, उग्र सुधारवादी दल। अब इनका उद्देश्य ये होता है कि भाई जो वर्तमान में जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम को उखाड़ करके फेंक दो, हटा दो, उड़ा दो, ठीक है, और इसकी जगह पर हमारा जो सिस्टम है, हम जो चाहते हैं वो वाला सिस्टम ले आओ, ठीक। तो इन सब चीजों तरीके से ये चार अलग अलग तरीके के दल हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अब विचारधारा के आधार पर इन चारों प्रकारों को हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं, इनका वर्गीकरण, इनका भी हम वर्गीकरण करते हैं, इन चारों का तीन वर्गों में। राजनीतिक जो वैज्ञानिक, उन्होंने तो उन्होंने जो सुधारवादी दल हैं, जो उग्र सुधारवादी हैं, इनको लेफ्टिस्ट बोला गया, बाई लेफ्टिस्ट। आपने ये नाम तो जरूर सुनोगे, ये वाले नाम जो हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया वो आपने ना सुने हो, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा लेफ्ट विंग, राइट विंग, है ना, या सेक्युलर, इस तरीके से आपने सुना होगा, या मध्यमार्गी, है ना। तो जो उग्र सुधारवादी हैं उनको वो बाई तरफ रखते हैं, लेफ्टिस्ट बोलते हैं। उदारवादी जो दल हैं, जो लिबरल हैं, उनको मध्य में रखा जाता है, और जो प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी दल है उनको दाई, उनको राइटिस्ट बोला जाता है, ठीक है, उनको ये कैटेगरी यहां पर देखने को मिलता है। तो वाम दल, केंद्रीय दल और दक्षिणपंथी दल इनको कहा जाता है। लेफ्टिस्ट को वाम दल, केंद्रीय दल और दक्षिणपंथी, अलग अलग जो है आप देखोगे, उग्र सुधारवादी और उनको दक्षिणपंथी वाम दल कहा जाता है, जो उदारवादी हैं उनको केंद्रीय दल कहा जाता है, रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादियों को दक्षिणपंथी दल कहा जाता है। अब भारत में दलीय व्यवस्था की, दलीय व्यवस्था को हम देख लेते हैं कि किस तरीके की दलीय व्यवस्था है। तो दलीय व्यवस्था की कुछ विशेषताओं को हम देखते हुए चलेंगे। देखिए, भारत में आप देखोगे तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम कैसा है कि एक तो भारत में आप देखना आकार इतना बड़ा है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, समाज में विभिन्नताएं इतनी ज्यादा हैं, ठीक है, थीके? और इन सब के कारण आप देखोगे भारत में एक जैसी पार्टी, एक जैसी विचारधारा बना पाना आसान नहीं है, हाल फिलहाल में, आज के समय में तो आसान नहीं है, ठीक है। और ऊपर से हम इंडिया में सभी के लिए हमने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सबको इक्वल राइट दिया है, तो जब सबको इक्वल राइट दिया तो सबके पास छूट है अपनी अपनी मर्जी से किसी को भी वोट बना देने की, ठीक है। तो सब अपनी अपनी वैचारिक समानता उसको देखते हैं, अपने आस पड़ोस को देखते हैं, अपनी भाषा को, जाति को, धर्म को देखते हैं। इन कई सारे कारण हैं जिनसे आप देखोगे भारत में बहुत सारे राजनीतिक दलों का उदय हुआ। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अगर कहीं है तो भारत के अंदर है, अंबार लगा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का। आप हालांकि कुछ ही पार्टियों का नाम जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में मिल जाएंगे अलग अलग दल जिनको आप जानते नहीं है, जिनका नाम, जो रजिस्टर्ड है या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो 17वीं लोकसभा का आम चुनाव था ना 2019, उस टाइम तक देश में 7 राष्ट्रीय दल थे, ठीक है, 52 राज्य स्तरीय दल थे, और 2354 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल थे। तो सोचो आप, लगभग 2500 के करीब आपको दल मिल जाते। ये संख्या बदलती रहती है, जो हम बात कर रहे हैं यहां पर जो संख्या बताई गई है 2019 की है, अभी संख्या अलग है, ठीक है, ये चेंज होती रहती है, ये हम यहाँ पर 2019 की बात कर रहे हैं। तो इतने ज्यादा बड़ी संख्या में भारत में दल हैं, पार्टीज हैं, ठीक है, और सभी तरीके के राजनीतिक दल मिलेंगे यहाँ पर आपको। वामपंथी दल मिलेंगे यहाँ पर आपको, केंद्रीय दल मिलेंगे, दक्षिण पंथी दल भी मिलेंगे, सांप्रदायिक दल भी मिलेंगे, गैर सांप्रदायिक दल भी मिलेंगे, ठीक है। इसके रीजन से, इसके कारण आप देखोगे भारत में त्रिशंकु जो है,
असेंबली होती है, त्रिशंकु लोकसभा देखने को मिलती है, त्रिशंकु संसद उसको बोलते हैं, त्रिशंकु विधानसभा राज्यों के स्तर पर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इतनी सारी पार्टियां हो गई, तो हर पार्टी किसी ना किसी ग्रुप को, किसी ना किसी समूह को रिप्रेजेंट करती है। अब सभी समूह, सभी ग्रुप अपने अपनी पार्टी को वोट देते हैं, इससे किसी भी एक पार्टी के पास फुल मेजोरिटी आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हालांकि पिछली 2 बार से जो सरकार आ रही है उसके पास पूरी मेजोरिटी है, पूर्ण बहुमत है। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें, 1989 से लेकर के 1989 से लेकर के 1989 से लेकर के हम बात कर लेते हैं 2014 तक, ये एक लंबा दौर था। ये एक ऐसा दौर था जब किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, स्पष्ट बहुमत नहीं था। तो ऐसे में क्या होता था, गठबंधन की सरकारें बनती फिर, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। गठबंधन की सरकार किसको कहा जाता है, गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें ना, तो एक तो बहुदलीय व्यवस्था है, दूसरा इसमें गठबंधन, बहुदलीय में गठबंधन भी होता है। किसी एक पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो कई सारी पार्टी जैसे ए बी सी डी, ये चारों मिल जाएंगी, हाथ मिला लेंगे एक दूसरे के साथ, दोस्ती कर लेंगी, और दोस्ती करके फिर ये सरकार बना लेंगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार बनने से आप देखोगे तो अलग अलग समाज के समूह के वहां पर प्रतिनिधित्व मिल जाता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है कि सरकार गिरने का खतरा भी रहता है। गठबंधन का घटक दल नाराज हो जाए तो सरकार भी गिरा देता है। इन सब चीजों के ऊपर गठबंधन सरकार को हम अलग से भी पढ़ेंगे, सेपरेटली उसमें हम डिटेल से देखेंगे। इसके साथ साथ भारतीय दलीय व्यवस्था को अगर आप देखोगे तो अभी तो बहुदलीय है, लेकिन आपको एक दलीय व्यवस्था भी देखने को मिलती है। एक दलीय व्यवस्था कब मिलती है, दो स्तर पर हमारे सरकारें हैं, एक तो केंद्र पर सरकार है और एक राज्य के स्तर पर सरकार है, ठीक है। केंद्र के स्तर तक 1977 तक, 1977 तक भारत में पूर्ण रूप से कांग्रेस का वो दबदबा था, केवल केंद्र कांग्रेस की सरकार आती थी, ठीक है, कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। हर जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट, जो भी चीजें होती सब ये रहते। लेकिन 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनी जो गैर कांग्रेस सरकार थी। फिर उसके बाद फिर से कांग्रेस आ गई, फिर उसके बाद लगभग आप देखोगे कि 1990 के दशक तक कांग्रेस का जो है वो राज रहा। 1990 के बाद फिर बहुदलीय व्यवस्था भारत में आई, केंद्र के स्तर पर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ अब हम प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब बहुत सारे पार्टियां थी जिनका अपना अपना आधार बन चुका था, उनको वोट मिलते थे, सीटें मिलती थी। राज्य के स्तर पर 1967 तक, 1967 तक केंद्र का एक छत्र आधिपत्य होता था, जहां भी जिस भी राज्य में सरकार बनती तो कांग्रेस की ही सरकार बनती। 1967 में कुछ नए दल निकले, 1969 में, ठीक है, जो राज्य के स्तर पर 1967 से 1969 में कुछ राज्यों में राज्य स्तरीय दल जो है उभर करके आने लगे, जैसे डीएमके है ना इस तरीके से। तो उसके बाद राज्य के स्तर पर कांग्रेस की जो है थोड़ी कमी हुई सरकारों में, लेकिन ये जो संख्या थी ना, ये लगभग 1990 तक ऐसी ही स्थिति बनी रही कि अधिकतर राज्यों में, मैक्सिमम राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। कुछ ही राज्य होते थे जिसमें वहां की रीजनल पार्टी या तो अकेले दम पर बना पाई हो सरकार, नहीं तो उनको सहारा लेना ही पड़ता था, या तो कांग्रेस का लेना पड़ता था, ठीक है, या किसी अन्य बहुत सारी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ती थी। तो कांग्रेस का दबदबा 1990 के दशक शुरू होने तक भारत की राजनीति में था, एक दलीय पद्धति इसको बोलते हैं। अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें ना, तो आज के समय में उसमें एक विशेषता ये है कि स्पष्ट किसी राजनीतिक विचारधारा का अभाव है ना, विचारधारा का अभाव एक मामला है। अब विचारधारा का अभाव की बात करें तो क्या है, इसको समझिएगा। पहले क्या होता था, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती थी। 1990 के दशक तक, वर्ष 2000 तक भी आप देखोगे तो सबके अपने अपने खेमे होते थे, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम में अगर देखोगे तो दो ही पार्टियां ऐसी दिखती है जिनकी अपनी कुछ अलग हटके विचारधारा देखने को मिलती है, जैसे कि बीजेपी और जो साम्यवादी दल है ना, सीपीआई सीपीएम, ये अपने अपने अलग अलग विचारधारा को लेकर के चले हुए हैं। हालांकि बीजेपी की विचारधारा में भी आप देखोगे तो मैक्सिमम बहुत सारी चीजें वो आ गई हैं जो कांग्रेस की विचारधारा होती थी। बाकी जितने भी पार्टियां देखोगे सबका एक जैसी सी आइडियोलॉजी है, कुछ अलग वो नहीं है, कुछ अलग व्यू पॉइंट नहीं है, कुछ अलग विचार नहीं है। तो ऐसे में
लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया वो किसको वोट दें, किस आधार पर वोट दें, किस बेस पर वोट दें। इसको अगर आपको जानना है ना, तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, आप देखा करो। क्या आपको देखना है कि जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो चुनाव के दौरान जो इलेक्शन में प्रचार करते हैं लोग, वो प्रचार देखना कैसे प्रचार करते हैं। एक पार्टी प्रचार करेगी कि मैं आपको फ्री में 200 यूनिट बिजली दूंगा, तो दूसरी पार्टी कहेगी मैं 300 यूनिट दूंगा, तीसरी कहेगी मैं 400 यूनिट दूंगा, पांचवी कहेगी मैं तो पूरी की पूरी बिजली फ्री कर दूंगा, छठी आएगी कहेगी नहीं मैं बिजली तो फ्री करूंगा, ये करूंगा, अकाउंट में पैसे भी डालूंगा। फिर और कहेगा भाई मैं अकाउंट में एक काम करूंगा, दूसरा तो कुछ डालेगा, मैं 15 लाख 10 लाख भी डाल दूंगा। कोई और कहेगा कि मैं साड़ी फ्री में दूंगा, मैं गाड़ी फ्री में दूंगा, मैं बाइक फ्री में दूंगा। मैक्सिमम आप देखोगे सबका जो एजेंडा होता है ना, वो इसी चीज के ऊपर चल रहा होता है कि लोगों को कितने ज्यादा फ्री में ये सुविधा दे देंगे, फ्री में वो सुविधा दे देंगे, जबकि फ्री फ्री होता कुछ है नहीं। लेकिन सबका आप मैनिफेस्टो देखना, सब में एक जैसी ही चीज होती है, कुछ अलग ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, ये है। तो एक तो और विचारधारा का भाव है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको कहे कि भाई हम फ्री फ्री और ये सारी चीजें धर्म जाति को के आधार पर लड़ेंगे ही नहीं, हम ये नहीं कर रहे, हम आपको देंगे क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, हम आपको देंगे क्वालिटी हेल्थ सर्विस, जीने के अधिकार को वास्तविकता में लाएंगे, हम आपको देंगे क्वालिटी क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, हम आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, हम आपको एक अच्छा योग्य नागरिक बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपको रोजगार के लिए आपको योग्य व्यक्ति बनाएंगे कि आप स्वरोजगार भी कर सको, रोजगार के, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये विचारधारा के अभाव को यहां पर क्लियरली दिखाता है। इसके साथ साथ भारत में आप देखोगे कि आज के टाइम में ही नहीं, स्टार्टिंग से ही एक और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता रही, वो ये रही कि व्यक्ति का महिमा मंडन होता रहे, ठीक है, व्यक्ति का जो है ना महिमा मंडन किया जाता है। अब व्यक्ति का महिमा मंडन का मतलब क्या है ये समझिए, इसका मतलब ये है कि एक पार्टी को एक किसी खास व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे जब जवाहरलाल नेहरू थे तो कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता, उनकी डेथ के बाद इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाने लगा, उनकी डेथ के बाद राजीव गांधी के नाम से जाने लगा, उनकी डेथ के बाद फिर अब थोड़ा सा मामला उसमें गड़बड़ा गया है, लेकिन फिर भी अगर उसके देखेंगे तो वहां पर राहुल गांधी का महिमा मंडन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही आप देखोगे बीजेपी, हालांकि पहले उसमें इतना व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं था, लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्हीं का ही एक महिमा मंडन होता है, उन्हीं के नाम पर बीजेपी का वो है। लोगों ने इवन वोट डालने जाते हैं ना आज के टाइम में, लोग पार्टी को वोट डालने के बजाय वो चेहरा देखते हैं कि इस पार्टी का फेस कौन है मेन, उसको वोट डाल के आते हैं। तो 2014 और 2019 के जो इलेक्शन हुए उसमें आप देखोगे तो पूरा तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाले गए, बीजेपी के नाम से नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम से डाले गए। ऐसे ही कांग्रेस जो प्रमोट करती है राहुल गांधी। तो ये महिमा मंडन भारत की राजनीति में जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने देखी, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था देख ली, अब इससे आगे का कंटिन्यू करते हैं। आप जरा एक बार लाइक शेयर करें, इसमें इतना ज्यादा है नहीं प्रीलिम्स के लिए, ये बेसिकली मेंस से रिलेटेड ज्यादा एरिया है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा से संबंधित सवाल जो है ना वो ज्यादा बनेंगे आपको, ठीक है। और मुख्य परीक्षा के लिए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, अगर आप ऐसे मेरे जितने भी प्यारे मित्र हैं जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो आप यार मेरे टेलीग्राम चैनल उस पर देखो ना, मेरे यूट्यूब पर मैंने करा रखी है सारी की सारी क्लासेस, एक बार जाकर के देखो तो सही। यूट्यूब पर इतनी बेहतरीन और इतनी डिटेल से मैंने सारी की सारी क्लासेस कराई है कि मजा आ जाएगा आपको वो देख करके, उन सारी क्लासेस को देख करके, एक एक लाइन बाय लाइन, बहुत केस स्टडीज के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, उनको देखो। बाकी अगर अनअकैडमी का कोर्स लेने का प्लान कर रहे हो तो जल्दी से ले लीजिए इस कोड के साथ, LYLIBE, ये कोड अप्लाई कीजिए, इसके साथ लीजिए, आपको पूरी फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा और हमारी गाइडेंस भी मिलेगी, और 30 सितंबर तक 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है। और बाकी मेरा वो ज्वाइन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, ठीक है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए तो अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सारे चैप्टर हमने धुआंधार रिवीजन सीरीज में धमाकेदार तरीके से करा दिए आपको, अब कुछ एमसीक्यूज करने की बारी है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ इसमें क्या करेक्ट आंसर था, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें, हर एमसीक्यू को हम थोड़ा थोड़ा
आपको 20 सेकंड पढ़ने के लिए और फिर 20 सेकंड आंसर देने के लिए, 20 सेकंड पढ़ करके आंसर दीजिए। चलिए सभी, देखिए इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा, दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान को हम अगर बोलते हैं ना जीवित डॉक्यूमेंट, वो इसलिए बोलते हैं, उसका रीजन ये है कि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। राजनीतिक अगर आप देखो तो संसद के माध्यम से संशोधन कर सकते हैं, है ना। न्यायपालिका देखो तो वो न्यायिक व्याख्या करते हुए उसके अंतर्गत चीजों को समाहित कर देती है, तो सी इसका सही आंसर रहेगा। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सुपर फास्ट चलेंगे हम इसको लेकर के। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, 30 सेकेंड आपको मिलेगा क्वेश्चन को रीड करने के लिए। देखिए जी, इसमें करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, पहली स्टेटमेंट तो थी करेक्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि आरक्षण की मात्रा में वृद्धि, कमी करना, प्रोन्नति में आरक्षण की अनुशंसा करना, ठीक है, ये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पहली स्टेटमेंट ठीक थी, जो अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ना, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से अलग होकर के 2004 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट होकर के बना। इससे पहले एक ही नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति एवं जनजाति आयोग। लेकिन फिर ये महसूस किया गया कि भाई अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग आयोग बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्याएं अलग अलग प्रकार की हैं और उनके ऊपर विशेषज्ञ थोड़ी सी वो चाहिए, है ना, तो इसलिए ये हुआ। वो बेसिकली अनुसूचित जातियों से संबंधित जितने भी मामले हैं ना, अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले, उनकी जांच पड़ताल करता है और सरकार को रिपोर्ट सौंपता है अपनी, उनके बेहतरी के लिए, नीतियों को बनाते टाइम अनुसूचित जातियों की बेहतरी के लिए सजेशंस देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िए, डीपीएसपी को लेकर के। देखिए आसान सवाल है तो इसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ, इतना ही टाइम बहुत है आपको, इतने आप सारे महारथी लोग हैं, पढ़ते आंसर कर देंगे। तो इसके बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर में तीनों स्टेटमेंट ठीक है, एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे मामले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनको सामाजिक आर्थिक अधिकार भी कहा जाता है, ठीक, और मौलिक अधिकारों से इतर कुछ अधिकार जो है वो हैं। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं थी। अगले पे चलते हैं, इसको पढ़िए। देखिए बहुत आसान था ये तो, ठीक है, आप सब लोग इसको आंसर दे सकते थे, तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है। हमारे जब संघ की बात करते हैं तो संघ वर्ड कहीं पर भी वर्णन, इसकी जगह पर हमने यूनियन, ठीक है, फेडरेशन वर्ड हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया है, फेडरेशन के बजाय हमने यूनियन यूज किया है, क्योंकि यूनियन का मतलब है केंद्र के पास अधिक शक्तियां होना, ठीक है, और ये क्वासी फेडरल केसी वियर ने इसको कहा था अर्धसंघीय। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज आप 21 में बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सही आंसर देना है आपको, ठीक है, सही। चलिए ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए।
देखिए चलिए, टाइम हो गया, समय खत्म, आंसर देख लीजिए। तीसरी स्टेटमेंट जो वो गलत थी, बस पहली दो स्टेटमेंट ठीक ही, तीसरी स्टेटमेंट जो वो गलत है। अंतरराज्यीय विवादों के अधिनिर्णय करने की शक्ति जो है वो हाई कोर्ट के पास नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये केंद्र राज्य विवाद, राज्यों के बीच में आपसी विवाद, ऐसे मामले ना वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के अनन्य मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। बाकी पहली दो स्टेटमेंट इसकी सही थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़िए बड़े ही ध्यान से, इजी क्वेश्चन है ये, तो आंसर आप लोग दे ही देंगे इसमें, तो मेरे को यकीन है 100% कि मेरा कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। पढ़ते हैं, आंसर देना शुरू कर दो। चलो चलिए, तो समय आपका समाप्त होता है, टाइम खत्म। बहुत इजी था, तीनों की तीनों के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा जा सकता है। जैसे आपने देखा अभी कर्नाटक में धार्मिक कपड़ों को लेकर के विवाद हुआ, तो वहां पर धार्मिक कपड़े पहनने पर ही बैन कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो वो मामला आ गया था कानून व्यवस्था का, क्योंकि उससे दंगे होने की संभावना थी, कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना थी। ठीक है, स्वास्थ्य के आधार पर जैसे आपने कोरोना में देखा, सामूहिक रूप से प्रेयर करने, सामूहिक रूप से कोई भी उत्सव मनाने से मना कर दिया गया था, तो इन तीनों के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है धार्मिक स्वतंत्रता पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सिंपल सा है, आंसर देना शुरू कर दीजिए। चलिए देखो, ये तो बहुत आसान सा था यार, प्रियम्बल उद्देश्य का इसका करेक्ट आंसर है। हमारे संविधान सभा में एक मेंबर थे जिनका नाम था के एम मुंशी, उन्होंने इसके लिए उद्देशिका के लिए ये वर्ड यूज किए। अगर आपने इसको पढ़ा भी नहीं होता तो भी आप इन वर्डों को देख करके कर सकते थे, सोवरन, डेमोक्रेटिक, है ना, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, इस तरीके से संप्रभु, तो ये यहीं आपको देखने को मिलते, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये थोड़ा मजेदार है, इंटरेस्टिंग सा है। देखिए जब भी हम अपवाद की बात करते हैं ना और आरक्षण की बात करते हैं, तो आर्टिकल 16 में आपको मिलेगा, अनुच्छेद 16(4) में, तो वो आता है राइट टू इक्वेलिटी, समता के अधिकार में, अनुच्छेद 16(4) में आपको मिलेगा। आप आरक्षण की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS, इनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है। शेड्यूल कास्ट को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27%, EWS को 10%, ये आरक्षण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए इसको बड़े ही ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है, 30 सेकंड इसके लिए दूंगा, ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, पढ़िए। देखिए जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो थर्ड स्टेटमेंट जो गलत है, आर्टिकल 33 के अनुसार हम जो हमारे सशस्त्र सेनाओं के सुरक्षा एजेंसीज के सभी कार्मिकों पर के मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और इसमें लिखा कि केवल सशस्त्र बल, तो पहली चीज तो सशस्त्र बल के साथ सुरक्षा एजेंसी जैसे IB, है ना, रॉ, NIA, CBI, इनके ऊपर के मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अगर सशस्त्र बलों की ही बात कर ले तो इसके युद्धक और गैर युद्धक सभी तरीके के कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। गैर युद्धक में जैसे कि जो नाई होते हैं वहां पर, है ना, जो खाना बनाने के लिए होते हैं, और जो वहां पर चौकीदारी के लिए होते हैं, कपड़ों के लिए होते हैं, ये सब। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, बड़ा ही आसान है, इसको ध्यान से पढ़िए।
इसमें ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब बनता नहीं है आपको, तो मैं आपको टाइम आंसर बता देता हूँ सीधा। तीन और चार जो है ना, ये करेक्ट आंसर है, ये शामिल है। तीन और चार इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, कैट के अंतर्गत। पहले दोनों नहीं होते हैं। 1985 में जो है ना, 1985 में कैट की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़िए ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप इसका आंसर कर पाएंगे। मजेदार क्वेश्चन है। देखिए जी, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए सारे लोग। पहली स्टेटमेंट गलत है। आंतरिक आधार पर जब भी आपातकाल लगेगा तो भाई मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह लिखा है ना, तो सशस्त्र विद्रोह का मतलब है जब भी राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होगा तो आर्टिकल 19 जो है निलंबित नहीं होता है। हाँ, अगर युद्ध के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर होता है तो ये जो है सस्पेंड हो सकता था, ठीक है, राष्ट्रपति या ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता। इसमें नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल मौलिक अधिकार की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आर्टिकल 32 को सस्पेंड किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसमें आर्टिकल 21 और 22 लिखा है। 21 और 22 नहीं, 21 और 20, इन दोनों को आप निलंबित नहीं कर सकते, इसलिए केवल सेकेंड स्टेटमेंट ठीक थी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़िए ध्यान से, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो इसको बड़े ध्यान से समझना आप सब लोग इस क्वेश्चन को। पहली स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। भारतीय संसद की संप्रभुता है ही नहीं। संप्रभुता का मतलब तो ये कि संसद ने कोई कानून बनाया और उसको कोई खारिज नहीं कर सकता, लेकिन भारत में तो संसद कोई भी कानून बनाता है तो न्यायपालिका उसका रिव्यू कर सकती है ना, कर सकती है कि नहीं। और न्यायपालिका ना केवल रिव्यू कर सकती है बल्कि न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है रिव्यू करते हुए, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं पाया जाए तो। फिर ऐसे में सोवरन नहीं हुआ। सोवरन तो तब होता जब कोई भी इसके बनाए गए कानून को जरा सा भी वो नहीं कर पाए, है ना। हल्ला एक बार बन गया तो बन गया, सलमान खान की तरह की, भाई एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, उस तरीके का होता तब तो हम सोवरन मान लेते। ब्रिटेन में सोवरन होता है, ठीक है, ब्रिटेन। अगर हम बात करते हैं वहां पर संसद ने कोई कानून बनाया ना तो वो कानून फुल एंड फाइनल है मेरे दोस्त, ठीक है, क्लियर। तो बाकी नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे पास कौन है, आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़िए। सही कथन चुनना है आपको, देखो जी करेक्ट आंसर देख लो इसका, दोनों गलत है, कोई भी सही नहीं है। संविधान किसी भी तरीके की अर्हता निर्धारित नहीं करता है निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए, वही कितना, कौन सी विधि योग्यता होनी चाहिए, कितनी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, न्यायिक परिप्रेक्ष्य से होना चाहिए कि नहीं। सरकार जो है इनकी पुनर्नियुक्ति कर सकती है, इसमें लिखा है ना नियुक्ति प्रतिबंधित है, तो गलत है। सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा से रीअपॉइंटमेंट हो सकता है सरकार के अन्य पद पर, ठीक है, किसी अन्य पद पर नियुक्ति की जा सकती है। तो डी इसका सही आंसर है, ना तो एक सही ना दो सही। चलिए
अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, ध्यान से पढ़िए, आसान ही है क्वेश्चन। देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 है ना, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसको भारत का शासन अच्छा करने वाला अधिनियम बोला जाएगा। इसका कारण क्या था पता है? इसका कारण जो है वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके शासन अब ब्रिटेन के क्राउन के पास आ गया था, वहां के ताज के पास शासन का हस्तांतरण आ गया था, इसलिए इसको भारत के शासन को अच्छा करने वाला अधिनियम बोला जाता है। ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और पढ़ करके फिर आंसर दीजिएगा। देखिए जी, इसको बड़े ध्यान से समझिए। पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों? आप कहोगे कि सर टैक्स तो नहीं लगता। हाँ टैक्स नहीं लगता, लेकिन शुल्क तो लगाया जा सकता है तीर्थ यात्रियों पर, फीस लगाई जाती है। आप कभी भी तीर्थ यात्रा करने जाओगे कहीं पर भी, तो आप उस पर फी लगाई जाती है, आपसे एक शुल्क लिया जाता है, जिसका प्रयोग आपकी सुरक्षा के लिए और बाकी मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है, कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। एनआरआई भारत का नागरिक है, ओसीआईसी भारत का नागरिक नहीं है। तो ऐसे में अगर एनआरआई भारत आएगा तो उसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो पहली स्टेटमेंट गलत। ठीक है, अगर एनआरआई भारत का नागरिक है और ओसीआईसी विदेशी नागरिक है, तो इनके दोनों के अधिकार बराबर नहीं होंगे, सेम स्थिति नहीं होगी। भारत के नागरिकों को हमेशा प्राथमिकता मिलती है इन कानूनों में। तो डी इसका करेक्ट है, दोनों गलत। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, सही कथन चुनना। देखिए इसमें अगर हम बात करते ना भारतीय संघ के अंदर, तो केवल राज्यों का क्षेत्र आएगा। ठीक है, आप लोगों ने को लगा कि तीनों आएंगे, तीनों नहीं आए, केवल एक आएगा। इन तीनों के लिए एक वर्ड यूज किया गया है जिसको बोला जाता है भारत का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है। उसके अंतर्गत ये तीनों समाहित होते हैं, और भारतीय संघ की बात करते तो उसमें केवल राज्य आते हैं। आर्टिकल 1 आप पढ़ेंगे ना, तो उसी में आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। चलिए इसको पढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए जी, इसका करेक्ट आंसर जो है सिंपल सा है, साधारण बहुमत से कर सकता है संसद। ठीक
ठीक है, राज्य का नाम बदलना है तो साधारण विधेयक से काम हो जाएगा। हाँ, संशोधन तब करना पड़ता है जब नाम बदलने के साथ साथ उसके स्टेटस में, उसके दर्जे में या कोई अन्य चीज का में बदलाव करना हो। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखो इसमें दोनों कथन सही हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता समानता, अगर उन दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो बाकी का मामला खत्म है। स्वतंत्रता समानता और बंधुता, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के अभाव में बाकियों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आसान है, सही कथन चुनना है इसमें आपको, ठीक है, सही कथन चुनना है। चलिए देखिए जी, इसको ध्यान से समझिए। पहली स्टेटमेंट गलत है। फजल अली आयोग जो है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, उसकी स्थापना 1953 में की गई थी, 1953 1953 में की गई थी। बाकी सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, पढ़िए इसको, सही कथन चुनना है आपको। देखिए जब भी हम रिट अधिकारिता की बात करते हैं ना, तो आपको समझना है ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों पे, लीगल राइट्स पर भी जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों पर रिट इशू कर सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट अपनी रिट अधिकारिता से को प्रयोग करने से मना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत बाध्य किया गया है, हाई कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अगले स्टेटमेंट चलते हैं, इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मजेदार का सा क्वेश्चन है। सही से कौन से सुन मिले थे, कौन से मैच करते हैं, वो आपको आंसर देना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर हम बात करते हैं तो जो मादक पेय पदार्थ है ना, ये उदारवादी नहीं है, ये सिद्धांत जो है गांधीवादी सिद्धांत है। समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ये उदारवादी सिद्धांत है, समाजवादी नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक थी, पहला कथन सही था, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत थी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको सही कथन पढ़ना है, सही आंसर देना है।
चलो तो आंसर देख लें इसका। आप लोगों को आंसर देते चले जाना क्वेश्चन का, क्योंकि सुपर फास्ट करा रहा हूँ, धुआंधार रिवीजन है तो मतलब धुआंधार ही एमसीक्यूज भी होंगे। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर है नन। क्षेत्रीय परिषदों की अगर हम बात करते हैं तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इनका स्थापना जो है ना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया, तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है संविधिक। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। इसकी जो सलाह है वो राज्यों पर बाध्यकारी नहीं, सलाहकारी होते हैं, ठीक है, एडवाइजरी होती है, ये बाइंडिंग नहीं है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टीम इंडिया किसको बोलते हैं? टीम इंडिया, चलिए देखिए, टीम इंडिया की विंग जो है उसमें 20 सही आएगा, यानी कि जितने भी राज्य हैं और केंद्रीय मंत्रालय हैं उनके प्रतिनिधि उसको अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व तो इसमें देखने को मिल जाता है। चलिए इसको पढ़िए, सही से कौन सा मैच है? देखिए जी, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति थी ना वो अमेरिका के संविधान से ली गई। राज्य की नीति निदेशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए, औसित शक्तियों का विचार जो है वो कनाडा से लिया गया। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। पहली स्टेटमेंट ठीक है, ए सही आएगा। चलिए इसको पढ़िए। सही कथन चुनना है। देखिए जी, हम बात करें संवैधानिक निकाय नहीं है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको 102वें संविधान संशोधन से आप देखोगे स्टैच्यू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया आर्टिकल 338 बी में। राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये भी संवैधानिक है, 315 में आपको मिलेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 के एक्ट से बनाया गया था, तो ये नहीं है, ये एक्ट से बनाया गया, तो स्टैचूटरी बॉडी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के एक्ट से बनाया गया, तो ये भी स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, यानी कि संवैधानिक नहीं है। तो पहले दो इसके सही थे। इसको पढ़िए। इसको छोड़ दीजिए, इसको पढ़िए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए सब लोग सही कथन चुनना आपको।
देखिए करेक्ट आंसर देख लीजिए मेरे सारे दोस्त, इसमें डी रहेगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है ना गलत है। अगर आपको भारत का कोई एरिया किसी और को देना है ना, तो इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन मतलब आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ेगा, 368 का। तो इसके लिए आपको संसद के दोनों सदनों का साधारण नहीं विशेष बहुमत चाहिए होगा, ठीक है। अब आपको संसद जब संविधान का संशोधन ही करना है, तो ऐसा कोई भी विधेयक जिससे संविधान में संशोधन हो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए होती आपको, ठीक है। राष्ट्रपति के पास तो पास होने के बाद जाते हो, राष्ट्रपति फिर साइन करेगा, तो दोनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, ध्यान से पढ़िए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तीसरी स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के शक्तियों का कोई वो नहीं होता है इसमें। भारत में एकीकृत प्रणाली है, ठीक है, एकीकृत जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, उससे इनके शक्तियों के बंटवारे पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी पहले दोनों स्टेटमेंट ठीक थी। इसको पढ़िए। देखिए जी, इसमें पहली स्टेटमेंट गलत है। केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली है ना, वो 1935 के अधिनियम से स्टार्ट की थी, 1935 से। बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके लिए आ रहा है, धमाकेदार क्वेश्चन, पढ़िए। मजेदार क्वेश्चन है, सही कथन चुनना है आपको। देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये असेंशियल नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। अगर ऐसा होता तो भारत में तो कोई उम्मीदवार जीत ही नहीं पाता। भारत में तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक। तो 50% वाला जो है ये असेंशियल नहीं है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले पर चलते हैं, इसको पढ़िए, आसान है।
देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं ना, तो लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता यह है कि संविधान के अनुसार और नागरिकों के अधिकारों से सरकार जो है ना लिमिटेड होती है। ठीक है, सभी निर्णय ना प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिए जाते, जैसे भारत में तो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लेते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है। एक हो सकती है, आवश्यक नहीं है। वयस्क निवासी नहीं, पंजीकृत मतदाता है ना, वयस्क नागरिक को दिया जाएगा। निवासी तो कोई भी हो सकता है, विदेशी नागरिक भी हो सकता है। और हर मामले में आप जनमत संग्रह कराने जाओगे तो एक ही मामले को भारत जैसे देश में तो सुलझाने में 3-4 साल लग जाएंगे। तो सी इसका करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन, सही कथन चुनना है, बहुत ही बेहतरीन है ये। ठीक है, देखिए इसको करेक्ट आंसर बात करते हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करता है। भारत में दो तरीके के अल्पसंख्यकों की बात की गई, धार्मिक और भाषाई। जाति अल्पसंख्यकों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इंडिया में दो ही अल्पसंख्यक है, तो डी इसका करेक्ट है, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, सही कथन चुनना है। ठीक है, देखिए इसकी बात करते ना, तो राजतंत्र की अनुपस्थिति सुनिश्चित करना संविधान की भूमिका नहीं। संविधान तो ये बताता है कि किसी भी शासन व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी, किस तरीके से वो कार्य करेगा, क्या अधिकार होंगे। ठीक है, राजतंत्र की अनुपस्थिति अगर इसको सुनिश्चित करनी होती तो नेपाल में तो संविधान ही नहीं होता, 2005 से पहले राजतंत्र ही था। ठीक है, और ब्रिटेन में भी अभी भी देखोगे तो संवैधानिक अध्यक्ष वहां पर क्राउन ही है, ताज ही है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत थी। चलिए निवारक निरोध के बारे में पढ़िए और सही कथन चुनना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए जी इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं, दोनों गलत है। कैसे हैं मैं बताता हूं। निवारक निरोध के संदर्भ की बात है ना, तो विधि निर्माण केवल संसद के पास नहीं लिखा है, केवल संसद गलत है, संसद प्लस राज्य, राज्यों के पास भी है, राज्य भी बना सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट गलत है कि एक व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जाता है, 3 महीने के लिए रखा जाता है एक बार अगर उसको निवारक निरोध मिल गया। उससे आगे अगर उसकी वो बढ़ाना है ना, तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड बोला जाता है, एक सलाहकार बोर्ड। ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट के जज और हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है,
केंद्र सरकार की रिकमेंडेशन नहीं, तो दोनों गलत हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़िए बड़े ध्यान से। देखिए जी, अगर हम बात करते हैं देशीयकरण के तहत, तो अगर भारत में नागरिकता के कानून ये बोलते हैं कि भारत में केवल एकल नागरिकता है, अगर आप भारत की नागरिकता लेते हैं तो दूसरे देश की नागरिकता नहीं रहेगी, अगर दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तो केवल पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, सही कथन चुनना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा पास कर लेने का मतलब ये नहीं कि आपको नियुक्ति मिलेगी, उसके बाद आपकी जांच पड़ताल होगी, है ना, आईबी के लोग आपके परीक्षण करने जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स जांचेंगे, आपके करेक्टर जांचेंगे, ठीक है, उसके बाद होता है। चलिए इसको पढ़िए, अगला क्वेश्चन, सही कथन चुनना है आपको, इसमें सही कथन चुनना है। देखिए जी, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करते हैं ना, तो उसने जिला के स्तर पर सूचना आयोग की प्रावधान नहीं किया, केवल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर राष्ट्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग जो है ना, उसको बोलते हैं केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वो करेगा। राज्य सूचना आयोग इसकी जांच नहीं करेगा, राज्य जो है वो अपने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जांच कर सकता है। तो डी इसका रहेगा, दोनों गलत। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए और इसमें सही कथन चुनना है आपको। ठीक है, सही। देखिए ये तीनों के तीनों काम जो है ना, हमारी संविधान सभा ने किए थे। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ठीक है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए इसको, सही कथन चुनना है आपको।
देखिए जी, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आधे सदस्य जो है ना वो अनुसूचित जाति जनजातीय पिछड़े वर्ग से नहीं, बल्कि ऐसे होने चाहिए जिनको राज्य या केंद्र के अधीन कार्य करने का अनुभव हो। सेकंड जो है वो गलत है, इनको राज्यपाल पद से नहीं हटाता, अपॉइंट जरूर राज्यपाल करता है लेकिन हटाता नहीं है राज्यपाल, ठीक है, हटाने का काम राष्ट्रपति करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सही कथन चुनना है। देखिए जी, इसमें करेक्ट आंसर जो है तीसरा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना सीबीसी, ये देता है राष्ट्रपति को रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये केंद्र सरकार को देते हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर राज्य से संबंधित रिपोर्ट है तो राज्य सरकार को भी देता है, केंद्र सरकार को देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, और इसमें आपको सही कालक्रम में लगाना है, सही कालक्रम इसमें लगाना है। देखिए इनके कालक्रम को अगर लगाते हैं ना तो देखना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मद्रास से अलग होता है आंध्र प्रदेश 1953 में, हरियाणा और पंजाब जो है 1966 में अलग होते हैं, गुजरात का गठन 1960 में होता है, बॉम्बे से अलग होकर के गुजरात और महाराष्ट्र बनते हैं, सिक्किम को 1975 में 1975 में भारत के संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। तो इसलिए इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा 1 3 2 4, सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, सी कथन जो है इसका सही है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, सही कथन चुनना है। देखिए जी, जब भी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो उन्होंने राज्यों के लिए समिति की अध्यक्षता नहीं की, राज्यों की समिति की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है, बाकी पहली दोनों समितियों के अध्यक्ष जो है सरदार पटेल थे, ए इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन को पढ़िए।
देखिए, इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान में राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी है, यानी कि राज्यों का नाम चेंज कर सकते हो, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हो, तोड़ के नए राज्य बना सकते हो, नए राज्य राज्यों को जोड़ करके एक बना सकते हो, ठीक है। तो ये है। और राज्यों का निर्माण तो किया जा सकता है, लेकिन राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, संघ से अलग नहीं हो सकते। चलिए अगला क्वेश्चन। इसको पढ़िए, सही कथन चुनना है आपको। तो पढ़िए, मैं पानी ले आता हूं। देखिए, जब भी हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं ना मेरे दोस्त, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये नागरिक और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। भारत के संविधान में केवल 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब जो है सभी को मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, सही कथन चुनना आपको, करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए जी, इसको बड़े ध्यान से समझिए आप सभी लोग, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऐसे देश जहां पर चुनाव आयोजित कराए जाते हैं वहां पर लोकतंत्र होगा, गलत है। चीन में भी तो चुनाव होते हैं, क्या लोकतंत्र है? नहीं, एक ही पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, एक ही पार्टी के लोग सत्ता में रहते हैं। जिम्बाब्वे में भी लोकतंत्र इलेक्शन होते हैं, जानू पीएफ नाम की पार्टी पिछले 30-35 साल से लगातार जीतती आ रही है धांधली करके, तो क्या वो लोकतंत्र होगा धांधली करके इलेक्शन जीतना? नहीं,
पाकिस्तान में इलेक्शन तो वहां पर भी होता है, लेकिन क्या लोकतंत्र है? नहीं है, सेना की दबदबा चलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वालों में सभी में लिखित संविधान हो ये कोई जरूरी नहीं है ना। ब्रिटेन में नहीं है, ओरल है। तो दोनों गलत है, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सही कथन सुनना है आपको। देखिए जी, ये जो कुप्रशासन है ना, ये आपातकाल लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है, एक जो है। बाकी दूसरा और तीसरा जो है वो ठीक है, इन बेसिस पर उसमें आपातकाल लागू किया जा सकता है अवहेलना पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जी, आखिरी की दो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि समझौता या सुलह करना केंद्र सरकार और राज्य के मध्य, ये इसका काम नहीं है। ठीक है, अगर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, और समझौता करना है, मध्यस्थता करना है, या उनके बीच में सहानुभूति से कार्य करना है, तो आप देखोगे अंतर्राज्य परिषद जैसी संस्थाएं, नीति आयोग जैसी संस्थाएं काम करती हैं। राज्य के न्यायिक निकायों के कार्यवाही के नियम जो है ना, वो बनाने के लिए हाईकोर्ट वो परामर्श करता है। बाकी पहली दोनों स्टेटमेंट ठीक थी। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बहुत आसान है। सही कथन चुनना है आपको। ठीक है, सही कथन चुनना है। देखिए जी, अगर आप चुनाव में वोट नहीं डालते तो वो आपके मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं, क्योंकि ये आपके मौलिक कर्तव्य में है ही नहीं चुनाव में वोट नहीं वोट डालना। ठीक है, बाकी ये दोनों अगर आप काम करोगे तो मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं आप। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, सही कथन चुनना है आपको।
देखिए जी, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सही आंसर जो है बी रहेगा। महान्यायवादी है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, और कैग संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहते, यानी कि इनको हटाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। जैसे यूपीएससी के सदस्य के हटाओगे तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता, है ना। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगले पे चलते हैं। चलिए जी, इसको पढ़िए। सही कथन चुनना है इसमें आपको। चलिए, देखिए जी, करेक्ट आंसर देखिए डी, इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रीय सीमाएं जिले की सीमाओं के समान अगर होती तो भारत में आज 700 प्लस लोकसभा सीटें होती, लेकिन ऐसा नहीं है। जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है कानून के अनुसार, कानून के द्वारा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। विधानसभा का क्षेत्र छोटा होता है, लोकसभा का बड़ा होता है, ठीक है। तो लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत नहीं आती है, लोकसभा के अंतर्गत कई सारी विधानसभाएं आ जाएंगी। तो डी गलत, डी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों गलत। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। आसान क्वेश्चन है ये। देखिए जी, डी वाली स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। इसमें ये लाभ नहीं है कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि वहां पर बहुमत का शासन हो जाएगा, निरंकुश शासन हो जाएगा। तो डी वाली स्टेटमेंट गलत थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको पढ़िए, आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके सब लोग आंसर जरूर दीजिए। मैं चाहता हूँ कमेंट में आंसर देते टाइम ना क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें, क्वेश्चन का नंबर मेंशन करके फिर आंसर देना है आपको, ठीक है। देखिए, बंदी प्रतिक्षीकरण जो है ना वो करेक्ट आएगा, ए इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको पढ़िए। देखिए, संसद की शक्ति पर जो है ना वो आत लगाता है, तो डी करेक्ट आएगा, संसद, ठीक है, पार्लियामेंट इसका सही आंसर आएगा। इसकी शक्ति पर सीमाएं लगाता है मूल ढांचा।
अगले क्वेश्चन को पढ़िए, सही कथन चुनना है आप, ठीक है, गलत कथन चुनना है, गलत कौन से गलत है। देखिए जी, इसको ध्यान से पढ़िए, हम जब भी इसकी बात करते हैं ना, तो वित्त आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा निकाय, अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, इसको अध्यक्ष को अर्थशास्त्र का कोई ज्ञानी नहीं होना चाहिए, एक सार्वजनिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, और इसके सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, इसने कहा नहीं, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, की जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए जी, जब भी हम बात करते हैं ना मूल ढांचे की, तो संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु जो आयोग था, वेंकट चले आयोग बोला जाता है, 2000 में बनाया गया था, उसने मूल ढांचे का समर्थन किया था, विरोध नहीं किया, उसने तो कहा था कि अगर ये मूल ढांचा है तो संविधान काफी बचा हुआ है, अच्छा काम है ना, बेहतरीन है, बढ़िया है, ठीक है। बाकी पहले दोनों स्टेटमेंट जो वो सही है, संविधान में कहीं नहीं दिया गया, ये केशवानंद भारती केस से न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सही कथन सुनना है आपको। देखिए जी, जब भी हम बात करते हैं ना, तो ये तीनों की तीनों स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आते हैं,
कोई भी वृत्ति, जॉब करने का, नौकरी करने का अधिकार आर्टिकल 19 में, देश से बाहर जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में, प्रारंभिक शिक्षा आर्टिकल 21 ए में। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, सही कथन सुनना है आपको। देखिए जी, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को लिखा है कि मान्यता प्राप्त नहीं है, गलत है। हाँ, ये अलग है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, लेकिन वो अभी भी आर्टिकल 300 ए में है, 300 ए में है। अब कानूनी अधिकार है, अब इसका मतलब 300 ए में है तो संविधान में तो है, संवैधानिक मान्यता इसका मतलब है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहली दोनों स्टेटमेंट जो वो इसकी ठीक थी। चलिए अगले पे चलते हैं, इसको पढ़िए। देखिए, इसमें केवल तीसरी स्टेटमेंट जो है ना वो गलत थी, ये इस तरीके की सिफारिश जो है उन्होंने नहीं की, सरदार सोन सिंह कमेटी ने। बाकी पहले दोनों स्टेटमेंट जो है ठीक है, पहले दोनों कथन ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़िए, सही कथन चुनना है आपको, सही कथन। देखिए, पहली स्टेटमेंट जो है ना गलत है, संविधान सभा का गठन माउंटबेटन प्रस्ताव से नहीं हुआ, माउंटबेटन से तो भारत और तो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, कैबिनेट मिशन जो है ना, कैबिनेट मिशन उसके प्रस्ताव के आधार पर हुआ था। बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो उसके करेक्ट थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
इसको पढ़िए, इसमें आपको सही कथन चुनना है। देखिए, तीसरी स्टेटमेंट है ना वो गलत है। अगर हम बात करते हैं ना नागरिक और विदेशियों की, तो 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल इंडियंस को मिलते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो ये 19 है, ये केवल भारतीय नागरिकों को मिलेगा। ठीक है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा है, ये दोनों को मिलेगा, भारतीय नागरिक और विदेशी सबको। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए और सही कथन चुनना है आपको। देखिए, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसमें सी इसका सही आंसर आएगा। संप्रभु होने का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो सी सही आंसर रहेगा, दोनों कथन सही है। इसको पढ़िए, बहुत आसान है यार, ये तो निजता के अधिकार, और ये तो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, आर्टिकल 21 21 के अंतर्गत जो है ना, निजता के अधिकार को के पुट्टा स्वामी केस में जो है वो परिभाषित कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए।
देखिए जी, सी इसका करेक्ट आंसर है। ये नया लेटेस्ट जोड़ा गया मूल कर्तव्य था 86 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 2002 में शिक्षा को। चलिए इसको पढ़िए, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें करेक्ट आंसर जो है वो महान्यायवादी है। ये संसद का सदस्य तो नहीं होता लेकिन लोकसभा राज्यसभा दोनों में जा सकता है, बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। सी करेक्ट आंसर था। सही आंसर तो सुनना है आपको अगले क्वेश्चन का। विधि की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है? देखिए तीनों के तीनों कथन सही है। तीनों के तीनों अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि की सीमा है, परिभाषा है, उसमें आते हैं ये। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले पे चलते हैं। इसको पढ़िए, असंमित संघवाद, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को लेकर के। देखिए जी इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी रहेगा। असंमित संघवाद का मतलब है कि संविधान ने राज्यों को अलग अलग दर्जा दिया। जैसे 371 आर्टिकल आप देखोगे उसके अंतर्गत कई सारे राज्यों को अलग अलग विशेष स्टेटस दिया है। पहले 370 था, है ना, वो हट गया, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। राज्यसभा में इन सब के लिए अलग अलग सीटें हैं, किसी के लिए बराबर सीटें नहीं है जनसंख्या के अनुपात में। तो वो भिन्नताएं संविधान द्वारा भिन्नताएं है ना, उसको असंमित संघवाद के अंतर्गत काउंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना, तो अगर राज्य को हमारे संपत्ति का अधिकार हटा तो दिया गया है, लेकिन जब भी कोई संघ
शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण होगा या कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण होगा ना, तो ऐसे में कंपनसेशन देना, क्षतिपूर्ति देना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी सेकंड और थर्ड फोर्थ जो है ना वो गलत है, एक और तीन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए देखिए, तीनों के तीनों ऐसे मामले हैं जिनमें भारत का पंथ निरपेक्ष स्वरूप आपको देखने को मिलता है, एक दो और तीन, तीनों के तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़िए, सही कथन चुनना है आपको। देखिए जी, ये तीसरी स्टेटमेंट है ना वो गलत है। इसमें भारत का प्रधानमंत्री भी ना लोकपाल के अधीन है, इसमें लिखा नहीं है। हाँ कुछ अपवाद हैं, जैसे अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी ऊर्जा, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उन मामलों पर इस भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं की जा सकती। बाकी पहला और दूसरा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, सही कथन चुनना है आपको। फजल अली आयोग है, एफ कर देना है। देखिए जी, इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो सी आएगा केवल। फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की थी, भाषाई एवं सांस्कृतिक समरूपता। धर और जेवीपी आयोग ने तो भाषा को बिल्कुल सिरे से नकार दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर जो है इसका, मिनरवा मिल मामला आएगा 1980 का, उसमें ये प्रावधान किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको पढ़िए, सही कथन चुनना आपको।
देखिए इनकी सीटों का अगर निर्धारण करते ना, तो बिहार में 40 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, गुजरात में 26 हैं। तो इस आधार पर क्रम जो है बी बनेगा। सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में होती हैं 80 सीटें लोकसभा की। चलिए देखिए आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो जो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना है, लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। और ये मेरा बेसिक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको अगर फ्री पीडीएफ चाहिए ना, तो फ्री पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला। अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला, अन अकेडमी ललित यादव की पाठशाला। और अगर आप अन अकेडमी का कभी भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो एक रेफरल कोड उसमें लगाना पड़ता है आपको डिस्काउंट के लिए। उस रेफरल कोड का नाम याद कर लीजिए सभी लोग, LYLIVE, ये कोड है LYLIVE। जब भी कोर्स ज्वाइन करें LYLIVE रेफरल कोड लगाएं। आपको एग्जाम पास होने तक मैं गाइड करूंगा, कभी भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आपको नहीं आने दूंगा, ठीक है। मैं वन ऑन वन अपने सारे दोस्तों को गाइड करता हूं। और इसके साथ साथ आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बिल्कुल मेहनत के साथ एंड तक बने रहना है हमेशा, ठीक है। आपके साथ लिए अब बहुत जल्दी बहुत सारी क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी, बढ़िया बढ़िया क्लासेस मैं लेकर के आता रहूंगा आपके लिए, ठीक है। अब बड़ी स्क्रीन पर आएंगी, अभी छोटी स्क्रीन पर बहुत हो गई। अक्टूबर से आपके लिए पूरी बड़ी स्क्रीन पर मैं क्लासेस लूंगा। लेकिन आप अनअकैडमी का कोर्स लेना चाहते हैं तो LYLIVE कोड याद रखिए, इसको भूलना नहीं है। इससे फीस में डिस्काउंट और पर्सनल गाइडेंस दोनों मिलेंगे। चलिए तो आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको बेस्ट विशेस। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ये जल्दी से जल्दी कर दीजिए जिसने नहीं किया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सारी नोटिफिकेशन वहीं मिलने वाले हैं। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत, लेट्स क्रैक इट।